राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय कुरुमहेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, श्री राधा मेरी स्वामिनी, कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया योदा वैसे सुराते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो वो भी जैसे नहीं।
केशवम् कृष्णदामोदरम् जानकी वल्लभम् पाप में है आरती श्री भागवत भक्त
खोल तन्हाई दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। दक्षिणामूर्तये नमः।
चौर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की देवादिदेव महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश परम मंगल में प्राप्त रखलेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान विद्या अंतर्गत आज हम सब इस ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवत कृपा से ये पावन अवसर प्राप्त होता है। हम सबको भी प्रभु की कृपा से भगवान की कृपा से ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके गांव चक्का में ये गौशाला की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेते हैं। भोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राधा रमण सरकार की जय मीठे रस से भरोरी राधा रानी दागे महारानी दागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी दागे महारानी दागे ओ माने कारो कारो यमुना जीरो पानी दा परेशानी भी तो रस काम की नहीं तो रस
Thank you.
श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत आज हम सब तृतीय दिवस की कथा प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया, महाराज परीक्षित को श्रृंग ऋषि का श्राप लगा, सात दिन के भीतर मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर के महाराज परीक्षित संतों की शरण में गए और भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या आपने कल के सत्र में श्रवण किया। जैसा व्यक्ति होता है, जैसा जिसका हृदय होता है, वैसा ही उसका प्रश्न होता है। श्राप किसको लगा है? राजा परीक्षित को। लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न कैसा किया है? सार्वभौम। चाहते तो महाराज परीक्षित ये भी पूछ सकते थे कि मुझे सात दिन का श्राप लगा है महाराज, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो राजा हैं, सम्राट हैं, उनका हृदय भी उतना ही विशाल है। जिस व्यक्ति का हृदय विशाल होता है, परमात्मा उसको सब कुछ दे देता है। जिसका हृदय क्षुद्र होता है, उसको सिर्फ उतना ही मिलता है। हमारा हृदय जितना विशाल होता है, परमात्मा हमको उतना ही देता है। हम केवल अपनी सोचते हैं तो जीवन भर केवल अपनी ही जरूरतें पूरी करते रह जाते हैं, लेकिन जब हम सार्वभौम सोचते हैं, पूरे समाज का कल्याण सोचते हैं, पूरे देश का कल्याण सोचते हैं, पूरी मानव जाति का कल्याण सोचते हैं, तो फिर हम एक क्षुद्र एक दायरे में नहीं रह जाते, फिर हम विराट हो जाते हैं, हम विशाल हो जाते हैं, और परमात्मा फिर हमारी ऊर्जा को भी एक विराट रूप दे देता है, एक बड़ा रूप दे देता है। इसलिए जब भी सोचो तो समष्टि का सोचो, केवल अपना मत सोचो। जब भी सोचो समग्र सोचो, जब भी सोचो विशाल सोचो, विराट सोचो, तो परमात्मा आपके हृदय को भर देगा, आपके जीवन को आनंद से भर देगा। राजा परीक्षित ने भी, क्योंकि राजा हैं, सम्राट हैं, प्रश्न भी किया तो सार्वभौम म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले को क्या करना चाहिए, माने मरने वाला। अब इसमें सारी दुनिया आ गई, इसमें सारा समाज आ गया, सारा विराट आ गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहां पर मरण धर्मा है, प्राणी मात्र यहां पर मरण धर्मा है। तो प्रत्येक मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हुआ। मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो भी मरने वाले हैं, और याद रखना श्राप क्या लगा था, कि सातवें दिन सर्वदंश हो जाएगा। श्राप केवल राजा परीक्षित को ही लगा था। सातवें दिन मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित होती है, क्योंकि सप्ताह में केवल सात ही दिन होते हैं, और उन सात दिनों में से किसी एक दिन मृत्यु आती है। एक हफ्ते में केवल सात ही दिन होते हैं, उन सात दिनों में से किसी एक दिन मृत्यु आएगी, तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, और सर्पदंश का मतलब हो गया कि काल का दंश, काल के मुख में प्रत्येक व्यक्ति को इन सात दिनों में से किसी दिन समा ही जाना है, समाहित होना ही है।
इसलिए श्राप जो लगा वो 7 दिन का प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, प्राणी मात्र को लगा। इसलिए राजा ने प्रश्न जो किया वो भी सार्वभौम प्रश्न किया, माने सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए ही प्रश्न किया गया। इसलिए प्रश्न भी हो तो ऐसा होना चाहिए जिससे लोक कल्याण हो। हम जो भी कुछ करें लोक कल्याण की भावना से हमको करना चाहिए, कभी भी केवल अपना नहीं सोचना चाहिए। हम जब अपना सोचते हैं, केवल अपना सोच करके रह जाते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं, फिर हम छोटे हो जाते हैं। हमको छोटा नहीं होना है, हमको विराट होना है, विशाल होना है। और विशाल होना है, विराट होना है, तो अपने हृदय को भी विराट करना होगा, विशाल करना होगा। राजा ने प्रश्न किया, सुखदेव जी ने अब राजा के परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। वरियान्ने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्यादि सुयापरः। तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, माने श्रेष्ठ प्रश्न कौन सा है? लोक हितम, जो समाज का कल्याण करने वाला प्रश्न है वही वरियान माने श्रेष्ठ प्रश्न है, वही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। और इसी प्रश्न से लोक का कल्याण होगा। आत्मसम्मतापुंसां श्रोतव्यादि यापरः, जो आत्मनेता महापुरुष होते हैं, जो आत्मनित महापुरुष होते हैं, वही ऐसे प्रश्न पूछते हैं और ऐसे प्रश्नों का श्रवण करते हैं। राजन, वैसे तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति निजी स्वार्थों में ही अपना पूरा जीवन लगा रहा है। विचार करके देखो, मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले आखिर कितने लोग हैं इस संसार में, इस समाज में कितने लोग हैं जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं? ऐसा नहीं कि सब लोग शांति से बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहा है कोई, सभी कर रहे हैं, सभी कर्मरत हैं, लेकिन वो कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जितना भी कुछ हम लोग कर रहे हैं इस संसार में, हम लोग जितना भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक बात याद रखना, ये शरीर इस संसार से हमको मिला है। मातृ पितृ के द्वारा खाए हुए अन्न जल के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। ये संसार से हमको मिला और जब यहां से जाना पड़ता है तो इस शरीर को हमें यही छोड़ के जाना होता है। सिद्धांत ये कहता है कि जो शरीर इस संसार से मिला है, उस शरीर के द्वारा हम जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, चाहे हम लाखों कमाएं, चाहे करोड़ों कमाएं, चाहे हम कितनी भी बड़ी संपदा कर लें, वो सब की सब हमको इस शरीर के साथ ही यहीं पर छोड़नी पड़ जाएगी। यहां तक कि इस शरीर को भी अगर हमने कुछ पहनाया है, चाहे माला पहनाई हो, चाहे अंगूठी पहनाई हो, चाहे जो भी कुछ इस शरीर को पहनाया है, अंत तो गत्वा वो भी उतार लिया जाए, वो भी आपके साथ नहीं जाना जाने दिया जाएगा। ये तो थोड़ी बड़ी चीजें और छोटी चीज नाक और कोक को वो भी हटी उतार लिया जाए, बिना भी हटी उतार ले से। फिर भी हम प्रयत्न क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितना हो जाए उतना इकट्ठा कर लिया जाए, इतना हो जाए, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, ये प्लॉट, वो प्लॉट, प्रयास करते हैं कि संसार में सारी भूमि के मालिक हम ही बन जाए। लेकिन सर्वे भूमि गोपाल की, ये सब भगवान का है। यहां पर किसी का, यहां पर आते हैं सब प्रतिनिधि बनकर के आते हैं और प्रतिनिधि बनकर के उसका उपभोग करते हैं, उसका सदुपयोग। अब कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है,
परमात्मा सबको यहाँ पर भेजता है, लेकिन भगवान ये कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम संसार का उपयोग करना, उसके बाद में फिर छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि भूमिपति केवल परमात्मा है, भूमिपति केवल परमात्मा है, निधिपति केवल परमात्मा है। हम सब लोग तो निधिपति के प्रतिनिधि हैं, थोड़े समय के, वो भी ज्यादा समय के भी नहीं, थोड़े से समय के प्रतिनिधि हैं। एक महात्मा ने जीवन भर कोई कुटिया कुछ नहीं बनाई, विरक्त महात्मा, और उनसे जब भी कहते थे महाराज कोई कुटिया बना लो बुढ़ापे में काम आएगी, तो हमेशा यही कहते थे भाई थोड़ा सा जीवन है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कौन चक्कर में पड़े, कहां चक्कर में पड़े, थोड़ा सा जीवन। और ये थोड़ा थोड़ा कहते कहते वो 100 साल तक जी करके चले गए, लेकिन जीवन भर एक ही बात कहते थे कि थोड़ा सा जीवन है, और बात तो सच है तो जीवन थोड़ा सा ही, परंतु थोड़ा सा जीवन सोच करके कर्महीन भी नहीं होना होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि जीवन थोड़ा सा है तो कुछ करें ही ना, मरनो तो है ही, के करनो ना करके, तो फिर के आज ही जागे खाना भूल बैठो, कर्म तो फिर भी करना है। पर कर्म करते हुए भाव ये होना चाहिए कि जब तक मेरा शरीर है मैं इस शरीर से कर्म कर रहा हूं, और जो कुछ भी मैं बना रहा हूं इस शरीर से, जो कुछ भी बन रहा है वो सब का सब मुझे यहीं पर छोड़ करके जाना। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, निद्रा हरियते नक्तम व्यवाये जवाबया दिवाचार्ति हया राजन कुटुंब भरणे नवा। राजन, इस संसार में जितने भी प्राणी, इस संसार में जितने भी लोग जी रहे हैं, कहते निद्रा हरियते राजन, राजन उनका रात्रि का समय तो निद्रा में बीत जाता है, और दिन का समय बोले कुटुंब भरणे में व्यवाये, कुटुंब भरण में और व्यवहार में लोगों से व्यवहार करते रहेंगे, दिन भर व्यवहार में इधर का उधर, या फिर कुटुंब भरण के लिए, कुटुंब भरण पोषण के लिए अपना पूरा समय बीत जाता है। दिन भर तो काम कमाई में लगे रहते हैं, पैसे की दौड़ में, धन की दौड़ में, अपनी कामनाओं की पूर्ति की दौड़ में दिन भर हम दौड़ते रहते हैं, और रात्रि में थक करके सो जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं इसी तरह उनका पूरा जीवन बीत जाता है, बस इसी चीज में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। दीवार चारते हर राजन कुटुंब भरने में, कुटुंब भरने में बीत जाता है। और ये सूर्य भगवान कहते हैं उदय और अस्त के साथ उनकी आयु का हरण करते रहते हैं, उनकी आयु का हरण करते रहते हैं। हम जितना परमात्मा से दूर होते हैं, जितना हम स्वयं से दूर होते हैं, उतना ही हमारे जीवन में तमोगुण रजोगुण का वास होता है, और जितना हम परमात्मा के निकट होते चले जाते हैं हमारे भीतर सतोगुण का उत्थान होता चला जाता है। इसलिए निकटता परमात्मा के साथ बनानी चाहिए, और जैसे तमोगुण बढ़ता है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो भजन करने जैसे ही बैठते हैं तो क्या देखते हैं, आंख बंद करते ही या तो नींद आती है, और या तो फिर दिमाग में जाने क्या क्या चलता रहता है, जो हमने दिन भर की एक्टिविटी की होती है, दिन भर जो हमने क्रियाएं की होती है, दिन भर जो काम किए हैं वो सब हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। जैसे ही भजन करने बैठे, आंख बंद करके बैठे, तो टीवी की तरह हमारी बुद्धि में ये सब चलने लगता है, फिर मन नहीं करता, फिर उठ जाते हैं भजन से। ऐसा लगता है जैसे भजन करने जैसे ही बैठे वैसे संसार में और ज्यादा चित्त रम रहा हो, संसार की चीजें चित्त में आने लगती है। मैं कहता हूं ये गलत है, उस समय बिल्कुल डटे रहो। उदाहरण के लिए जैसे लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से हम कोई डाटा डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस डाटा को सामने लेकर के आते हैं, और जब वो सामने आता है तभी डिलीट होता है। ऐसे डिलीट कैसे करेंगे,
उस डाटा को अगर डिलीट करना है तो वो सामने लाना पड़ता है भाई, मोबाइल की गैलरी है, गैलरी में से फोटो डिलीट करने हैं तो उन फोटो को पहले हम खोलेंगे, गैलरी को खोल करके तभी डिलीट करेंगे। ऐसे ही जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो जो जो चीजें निकल करके सामने आने लगती हैं वो डिलीट हो रही होती हैं, वो खत्म हो रही होती हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं उठ जाते हैं, खत्म हो रही होती है। ऐसे में उनको खत्म होने दो, आप दृष्टा बन करके साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उसको देखते रहें, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भाई घर में चोर लगा और चोर को जब देख लोगे तो क्या चोर चोरी करेगा? भाग जाएगा, देख लोगे तो भाग जाएगा। इसी तरह से जब हम ध्यान पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, तो जो भी मन में विकार आते हैं, जो भी बुद्धि में विकार आते हैं, उनको देखो, उनके ऊपर दृष्टि गड़ाओ। फिर कहते हैं महाराज नींद आने लगती है, तो ऐसी बात नहीं है, तुम पहले व्यक्ति हो। जब तमोगुण शरीर में होता है, तमोगुण अधिकता होती है, तो नींद भी आती है, लेकिन भजन करते रहो, नींद आए सो जाओ और फिर जाके फिर भजन करने लग जाओ। एक बार राजा भरतरी का नाम तो सुना ही होगा, राजा भरतरी एक बार ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, महाराज नींद आ गई उनको भी भजन करते हुए। अब सोचो बड़े बड़े महापुरुषों को भी आई नींद आ गई भजन करते हुए, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उनके ऊपर एक भजन है थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बेरन नींद जाकर राम नाम नहीं भावे, वाकर चाहिए बेरन नींद राखन घर राम नाम नहीं भावे, वाकर चाहिए बेरन नींद राखन राम नाम नहीं भावे, राम नाम
नींद किस किस के घर से जाना चाहिए नींद को। परी सभा में झूठ बोले निंदा करे पराई, हरी सभा में निंदा बोले निंदा करे पराई, परी सभा में झूठ बोले निंदा करे पराई, हरी सभा में झूठ बोले निंदा करे पराई। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया, जय जो बिना बुलाई बाबर जयो वेरन ने करा जागर नाम नाम ना भावे बाबर जयो वेरन ने करा जागर राम नाम नहीं भावे राम नाम नहीं भावे जागर राम नाम नहीं भावे जागर जय नाम नहीं भावे बाबर जयो वेरन ने करा जागर ऐसी कूलर देख के जय जो सुंदर बिस्तर हो, ऐसी कूलर देख के जय जो सुंदर बिस्तर हो, ऐसी कूलर देख के जय जो सुंदर बिस्तर हो, ऐसी कूलर देख के जय जो सुंदर बिस्तर हो, मारे संग देवे पावनी पत्थर पे झुक पावे बादल जयो तेरे निंदरा बादल राम नाम नहीं पावे, बादल जयो तेरे निंदरा बादल राम नाम नहीं पावे, राम नाम ना भावे ओ हरी नाम ना भावे, राम नाम ना भावे ये हरी नाम ना भावे, बादल जयो तेरे निंदरा बादल राम नाम ना भावे, बादल जयो तेरे निंदरा
यहाँ नहीं तेरा वासा। है भरत श्री सुना निकला यहाँ न मेरा वासा। कहे भरत श्री सुन मारी निकला यहाँ न तेरा वासा। कहे भरत श्री सुन भाई निकला यहाँ न मेरा वासा। राज छोड़ में मिली फकीरी राज छोड़ में मिली फकीरी हरी नगरी माता बाबर जयो मेरा निकला नागर नाम नाम बाबर जयो मेरा निकला नागर नाम नाम बाबर। कहते हैं तो प्रभु साधना के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि भजन में चित्त लग सके। ऐसा क्या करें जिससे हमारा चित्त भजन में लग सके, हमारा मन भजन में लग सके, इसके लिए शुरुआती उपाय क्या है। जो शुरुआत में भजन करने के लिए लगता है उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। देखो इस बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर आपने अभी भजन की शुरुआत नहीं भी की हो, कर भी दी हो, दोनों ही जगह पर इस समय जो बताया जा रहा है बड़े ही काम की बात है। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसको भजन की शुरुआत करनी है, जिसके जीवन में जिसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई कि जीवन का सार भजन है, जीवन का सार भगवत स्मरण है, भगवत भक्ति है, उसको सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, बैठना सीखो, सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर आप लंबे समय तक बैठ सको, आसन का अभ्यास करो। महात्माओं को देखो, हम लोग 5 घंटे 6 घंटे और कभी कभी तो 7-7 घंटे भी कथा करते हैं, एक आसन पे बैठ करके करते हैं। कभी आसन नहीं बदलते कथा के बीच में, ना कभी उठ करके बीच में जाएंगे, ना कभी नीचे उतरेंगे, ना इधर उधर पैर होगा, बिल्कुल जैसे आकर के बैठे हैं वैसे ही उठ करके जाएंगे। साधन को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, जीतासनो आसन को जीतो। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठना पड़ गया पालथी मार के तो कभी इधर पैर जा रहा है तो कभी इधर पैर जा रहा है, और कि ना तो सामने ही पैर जा रहा है। बता बैठना सबसे पहले, जब हम बैठ ही नहीं सकते। हालांकि देखो दूसरा नियम तो ये भी कहता है कि ये न केन प्रकारे न जैसे भी करना है भजन करना है, वो एक दूसरी बात होती है। किसी सज्जन ने कहा कि तुम
किसी को देखा होगा भजन करते हो, कोई आदमी बैठे हो मानसी पर भजन करना, मानसी पर बैठे तो वो उसका निकलने में छोरों खड़े हो, छोरा ने क्या कर देख तेरे बापू किया भजन कराए, किया कराए कि मानसी पर बैठ के भजन कराए, कि तेरे लो बापू किया कराए कि मेरे लो बापू तो करे ही कौन, कि तेरे बाप ने तो आज छुई है मानसी पर बैठ के कराए। तेरे लो बाप ने तो मेरे लो ठीक ही है, कम से कम मानसी पर बैठ के तो कराए। तो भजन करना है वो बात ठीक है, पर जितना हो सके अभ्यास जो है, भगवान सुखदेव बताते हैं कि शुरुआती अगर शरीर स्वस्थ है ठीक है, भाई देखो जिनका शरीर ठीक नहीं है घोटू दर्द करते हैं, जिनका गोटा दुख है अभी भी तो बात हो रहा है, जिनका घटना दुख है अभी भी बात हो रहा है, अपनी खातर तो चलो छूट है नहीं, या मर्जी कर लो, माथी पर बैठे बैठे कर लो, उल्टा लटक के भी कर लो, करनो है बैंक खातर तो छूट है, पर जिका का गोटा ठीक ठाक है बैंक खातर के आप ध्यान दे दी ठीक है। जीतासनो सबसे पहले आसन जीतो है, बैठना सीखो बढ़िया से आसन लगा करके, भले पालथी मार के बैठो जरूरी नहीं है, पद्मासन लगाओ सुखासन लगाओ है, पालथी मार के बैठ जाओ ये आसन ही है, पालथी मार के आसन लगा करके बैठो जीतासनो। दूसरे नंबर पर पहले आसन जीतो, दूसरे नंबर पर जित श्वासो, ध्यान देना भजन की बात कर रही है, जित श्वासो श्वास पर, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करनी है। श्वास पर कैसे? प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। इसलिए महात्मा लोग प्राणायाम बताते हैं कि प्रातः काल उठ करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भले स्नान करने के बाद सबसे पहले भजन करने से पहले प्राणायाम करो, पहले आसन लगाओ माने आसन पर ध्यान करो, दूसरा फिर प्राणायाम करो, पहले प्राणायाम करो। तो प्राणायाम की विधि संत लोग बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा है? क्योंकि प्राणायाम जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे तीन नाड़ी होती हैं, तीन नाड़ी मस्तक में होती हैं, वो गौर से देखें तो वैसे भी दिखती है, अगर ध्यान दे करके देखते हैं तो वो बहुत हल्की हल्की नाड़ियां दिखती हैं, तीन नाड़ी होती हैं, इड़ा पिंगला और सुकमना। ये सुकमना नाड़ी बीच में होती है बिल्कुल, इड़ा और पिंगला दक्षिण और पश्चिम दोनों तरफ होती हैं, ये उत्तर और दक्षिण में इड़ा और पिंगला होती है, बीच में सुकमना नाड़ी होती है। ये सुकमना नाड़ी जो होती है इसका संबंध सीधा हमारे हृदय से होता है, ध्यान देना इन बातों पर, सीधा हमारे हृदय से संबंध होता है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि भजन करने वाले को, ध्यान करने वाले को, प्रत्येक हिंदू मात्र को तिलक लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और बता देंगे साथ के साथ कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक भी इसीलिए लगाया जाता है, कारण क्या है, ये जो सुकमना नाड़ी होती है बीच वाली, इसका संबंध सीधा हृदय से होता है, ये हृदय से होकर के जाती है, और हृदय से होकर के जो ये नाड़ी जाती है, इस नाड़ी में, इस ये जो नाड़ी होती है, इस नाड़ी में कुछ ठंडक देना बहुत जरूरी होता है, ये इड़ा और पिंगला जो साइड की जो दोनों नाड़ियां होती हैं, इन दोनों में एक ताप प्रकट होता है, ये ताप दोनों का मिलना, क्योंकि ये माइनस और प्लस होती है दोनों, है ना, जैसे लाइट होती है ना लाइट, इसमें माइनस और प्लस होता है, अर्थ और करंट होता है, अर्थ और करंट दोनों की तार अलग अलग रखी जाती है, दोनों मिल जाएगी तो विस्फोट हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, तो इन दोनों का जो ताप होता है वो माइनस प्लस होता है, इन दोनों नाड़ियों के ताप में हमको गैप करना होता है, बीच में ठंडक देनी होती है, इसलिए बीचों बीच तिलक लगाया जाता है। ये तो वैज्ञानिक कारण है तिलक लगाने का, आध्यात्मिक कारण तो हमारे धर्म का चिन्ह है, भगवान के लिए हम लगाते हैं, जैसे माताएं सिंदूर लगाती हैं भगवान अपने पति के नाम का, ऐसे भक्त अपने भगवान के नाम का तिलक लगाते हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान के नाम का तिलक लगाते हैं। इसी प्रकार ये जो नाड़ी होती है ये यहाँ पर होती है, इस पर हम लोग ध्यान करते हैं, तो जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हम लोग श्वास को रोक करके तब फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उससे इस नाड़ी की गति जो होती है वो सामान्य हो जाती है, फिर हमारा हृदय जो होता है, चित्त जो होता है वो शांत हो जाता है और भजन में चित्त लग जाता है। इसलिए प्राणायाम के लिए कहा,
क्या कहते हैं, जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो और फिर श्वास को माने प्राणायाम के द्वारा सांस पर विजय प्राप्त करो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। फिर कहते हैं जित संगो, संग माने आसक्ति, किसी भी चीज में आसक्ति मत रखो, सब कुछ भगवान का समझो, ये मत सोचो कि ये मेरा है, ये विचार करो कि ये भगवान का है, जो कुछ भी है प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, और भजन करने वाले का इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, है? ये नहीं कि ये भी खा लू ये भी खा लू, जीभ पर कंट्रोल नहीं है, खूब सारी मिर्च गिर गए, लाल मिर्च और खूब चटपटा खाने का मन करे, खूब चटपटी चीजा खाने को जी करे, जी ने बस में करना है, इंद्रिया माने जी ने बस में करना है, जी तो जाने के खाण ने करे पर नहीं, इसी चीजा कौन खुवाणी अपा जी ने कि जितों तमोगुण बदे, ज्यादा मसाला खाण ज्यादा मिर्चा खाण नहीं करके महात्मा लोग जी का ज्यादा मिर्च मुर्च गुण खा देखियो थे, ज्यादा मिर्च कौन खा, हरी मिर्च बस बहुत है, हरी मिर्च ठीक है, लाल मिर्च तेज मसाला ना प्याज लहसुन ये सारी चीजा जो है तमोगुण ने बदला है, तमोगुण है इन चीजों से बढ़कर, जब तमोगुण बढ़ेगा तो भजन में चित्त नहीं लगेगा, इसलिए जितेंद्रियाः इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। स्थूले भगवतो रूपे, और उसके बाद इस सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझ करके, प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान को समझ करके भगवान का ध्यान करे, ये सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है, ऐसा भाव करके भगवान का ध्यान करे, मना संधार ली दिया, इस तरह से भाव करते हुए अपने चित्त को अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। नींद आ गई के मन तो लाग रही, कथा जब रस प्रवाह चलती हो चल रही होती है ना, उस समय अगर बीच में इस तरह के टोका टाकी हो जाती है तो रस तो खैर बिगड़ता है, और फिर नींद भी आने लगती है जब बीच में बंद हो जाए कुछ देर के लिए, तो लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, वो आज ही हो गई, कल थोड़ी होगी, कल नहीं होगी कह रहे हैं, हौसला रखो, अच्छा कल होगी तो मैं ठीक आता हूँ, नहीं आता। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु ये जो सृष्टि की रचना है ये कैसे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब प्रकृति और पुरुष दोनों की साम्यावस्था आती है, माने दोनों के दोनों प्लस प्लस हो जाएं, साम्यावस्था आती है तो प्रलय हो जाता है, और सृजन कब होता है, बोले वैषम्यावस्था में, माइनस प्लस में, वैषम्यावस्था में विषमता में सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का प्राकृत्य होता है। जब प्रकृति को पुरुष ने देखा, प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया, तो प्रकृति के भीतर एक हलचल मची, एक क्षोभ हुआ, और उसी क्षोभ से महतत्व की उत्पत्ति हुई, और उसी महतत्व से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। त्रिविध अहंकार सात्विक रजोगुणी और तमोगुणी, तमोगुण से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इनकी उत्पत्ति हुई। रजोगुण से इंद्रियों की, दस इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां सबको पता ही है, इन दस इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और सतोगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई, माने इंद्रियां जैसे ये हाथ है, ये हस्त इंद्रिय है, लेकिन हाथ इंद्रिय के भीतर भी कुछ ऐसा है जो इसको मोड़ रहा है, इसको इधर उधर कर रहा है, हिला रहा है डुला रहा है, कोई शक्ति है,
उस शक्ति का जो देवता है उन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इससे सतोगुण से, जैसे हाथ का इंद्र, हाथ का देवता इंद्र है, तो इंद्र की माने हाथ के देवता इंद्र की उत्पत्ति हुई, हाथ के भीतर उत्पत्ति हुई उस देवता की। इस प्रकार सतोगुण से ये भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा महाराज, चारों तरफ जल ही जल था, चारों तरफ जल ही जल देखा। जिस तरफ देखते उसी तरफ ब्रह्मा जी के एक मुख आ जाता है। इधर देखना चाहा तो इधर एक मुख आ गया, इधर देखना चाहा तो इधर एक मुख आ गया, पीछे देखना चाहा तो पीछे मुख आ गया, चार मुख ब्रह्मा जी को प्रकट। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, चतुरानन। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई आखिर मैं कौन हूं और मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, इधर उधर तो कुछ दिखा नहीं, जिस कमल पे बैठे थे उसी की नाल में भीतर घुस गए और नीचे तक गए, लेकिन कहीं पर कोई अंत मिला ही नहीं। आखिर घूम ढाल के वापिस लौट ऊपर आ गए, आकर के फिर बैठ गए, सोच रहे थे क्या करें। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि हे ब्रह्मा जी तप करो, तप से ही आपके प्रश्नों का समाधान होगा। ब्रह्मा जी ने दिव्य 10,000 वर्षों का तप किया, तब जाकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने मात्र 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को पूरी भागवत की सुनाई। अब इन 4 श्लोकों को ध्यान से सुनना, पूरी भागवत ही सुन ली। ये मत समझ लेना कि पूरी भागवत तो आज ही सुन ली, तर्क क्या करना है या नहीं। हाँ, 4 श्लोक का व्याख्या तो नहीं सुनाऊंगा, बात बात थोड़ी सुनाऊंगा, बात तो आगे पूरी विस्तार है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत जी सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नाम्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादम यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मना अन्ये व्यतिरेकाभ्यां यत्साद सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, सृष्टि से पहले केवल मैं ही था और केवल था ही था, थी नहीं, केवल मैं ही था और इसके बाद भी मैं ही रहूंगा, मेरे अतिरिक्त और कोई सत्ता यहां पर नहीं है। अहमेवास अग्रे नान्य सत सत परम, सत और असत दोनों से परे मैं ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में, जैसे कहते हैं कि चंद्रमा में, जैसे चंद्रमा जल में, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जिस प्रकार कई घड़े भरकर के रख दो पानी के और उन घड़ों में देखो कि अलग अलग घड़े के अंदर चंद्रमा की चांदनी अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, भगवान कहते हैं वो चंद्रमा उनमें अलग अलग है ही, केवल भासता है, केवल दिखाई देता है। इसी प्रकार ये सारे के सारे घड़े, सब के सब घट हैं और इन सब घट के भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा है वो एक ही है, उसी का प्रतिबिंब सबके भीतर पड़ता है। घट घट मेरा साइया, तो परमात्मा घट घट में विराजमान है। वो कहता है मैं ही सबके भीतर हूं, जैसे चंद्रमा की चांदनी ही, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग घड़े में अलग अलग दिखता है पर होता नहीं, होता केवल एक ही चंद्रमा है, ऐसे ही परमात्मा केवल एक ही है
बाकी सबके भीतर अलग अलग भासता है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या उपाधि के कारण वह परमात्मा अलग अलग दिखता है। जैसे समुद्र में से हमने 10 घड़े पानी के निकाल लिए, 10 घड़े पानी के हमने समुद्र में से निकाल लिए। अब तक जो पानी था वो समुद्र का था, पूरा समुद्र था, लेकिन अब जो पानी हो गया वो क्या हो गया, घटो उपाधि वाला, माने घड़े के भीतर वो पानी है, है? उसको एक उपाधि मिल गई कि घड़े का पानी है। केक रोको नहीं घड़े पानी भले नड़का को ले गया ओके, वो तो घड़िए को पानी पिला भाई, घड़ियों पीछे पानी है, घड़ियों में पीछे पानी निकला है, वह तो नड़का को ही है, पर पक्के का घड़िए को पानी, क्योंकि वो घड़िए के अंदर है, घड़िए की उपाधि बन लेती ई करके पवन घड़िए को पानी क्या, बाकी पानी तो नड़का को ही हुआ। ई तरह परमात्मा भी सबके भीतर है, लेकिन है वो एक ही परमात्मा, अलग अलग प्रकार के घड़े हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, उनके नाम अलग। जैसे सुनार की दुकान पे जाओ और सुनार की दुकान पर जाकर के देखो, जाए करो नहीं सुनार की दुकान पर, तो जरूर जाओ नहीं करके मैं नाम ही सुनार की दुकान पर भी मन था सारे जावा बैठे इन्ना बैठे अजिका भले कहते नाम ही जाओ पर इन्ना तो जरूर जाओ पक्की बात। सुनार की दुकान पर जाओ नहीं बट सोने की अलग अलग चीजा बनेड़ी देखो है, कहते देखो कि बाड़ी बाड़ी बनेड़ी है, झुमका बनेड़ा है, हैं कोका बनेड़ा है, और भी के क्यों एक रहे हैं, मुंदड़ी बनेड़ी है, हैं सारी चीजा अलग अलग हुए नहीं, अभी सारी चीजा पदे का अलग अलग, पर वे सारी चीजा भले ही अलग अलग हुआ है पर सुनार जी को कीमत लगा रहा है वो किस चीज की लगा रहा है, सोने की। सुनार की निगाह में केवल सोनो है, बिंगी निगाह में ना थारी मुंदड़ी है ना ही थारो कोको है, बिंगी निगाह में केवल सोनो है, है? सारी चीजा अलग अलग है पर सारी चीजा में अंदर धातु केवल एक सोनो है, ये परमात्मा है। ये सारा की शकल अलग अलग दिख है, है? सारा की शकल अलग अलग दिख है पर सारा के अंदर परमात्मा केवल एक ही है। फिर क्यों कहा जी परमात्मा एक ही सारा के अंदर है तो सारा की सोच एक जैसी क्यों को नहीं, क्यों एक दूसरे की चुगली करे सारा, क्यों एक दूसरे खातर उल्टी को बोल रहा है सारा, क्यों बुराई करे सारा एक दूसरे की, जो सारा के अंदर एक ही परमात्मा है। परमात्मा तो एक ही है सब के अंदर है पर सारा वो चित्त अलग अलग है, सारा वो मन अलग अलग है और मन का संस्कार अलग अलग है, इन करके सारा की सोच अलग अलग हुआ है। बाकी जिसकी चेतना है सबके भीतर एक ही परमात्मा भी है, वो एक ही परमात्मा सबके भीतर, और वही परमात्मा कहता है ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, इसलिए इस जगत में मेरे अतिरिक्त और किसी चीज की सत्ता ना कभी थी ना कभी है ना कभी होगी। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज सारी बात तो ठीक है, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय मैं तो था नहीं, मेरा जन्म तो बाद में हुआ, पर मैंने सुना है कि महाभारत के समय में कौरव और पांडवों के समय में एक महापुरुष ऐसा था जो बड़ा निष्पक्ष था। कौन? बोले विदुर जी महाराज। मैं विदुर जी महाराज के बारे में जानना चाहता हूं। यहां से सुखदेव जी ने विदुर जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया और वास्तव में विदुर जी का जो चरित्र है ये बड़ा अलग है। विदुर जी का चरित्र समाज को एक अलग दर्पण दिखाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भेदभाव होता है, हमारे सनातन धर्म में ऊंच नीच होता है, कि विदुर जी के चरित्र से जरा समझना है, ध्यान देना इस बात। सनातन धर्म ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, भेदभाव करती है तुच्छ राजनीति, भेदभाव करती है स्वार्थ की राजनीति। राजनीति गलत नहीं है, एक बात ध्यान रखना, राजनीति गलत नहीं है। जिस प्रकार चाकू गलत नहीं होता कभी, तलवार गलत नहीं होती कभी, उसको चलाने वाला सही या गलत होता है। चाकू तलवार या बंदूक
बंदूक आप सैनिक के हाथ में भी देखते हो, वो उस बंदूक से देश की रक्षा करता है। चाक बंदूक आप एक डाकू के हाथ में भी देखते हो, वो धन लूटता है, दूसरों को मारता है। आताताई के हाथ में भी देखते हो, निरपराध लोगों की हत्या भी करता है। बंदूक एक ही है, लेकिन चलाने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या उपयोग करता है। राजनीति गलत नहीं है। राजनीति का मतलब होता है हमारे देश की नीति, हमारे राज की नीति, और किस नीति से हमको देश को चलाना है, किस नीति से सत्ता को चलाना है, राजनीति। वो नीति गलत नहीं है, गलत होती है लोगों की मानसिकता। कुछ स्वार्थी नेताओं की वजह से या स्वार्थी लोगों की वजह से, तुच्छ बुद्धि की वजह से समाज में भेदभाव पैदा कर दिया जाता है और अफवाह यह फैलाई जाती है कि सनातन धर्म भेदभाव करता है। यदि सनातन धर्म ने भेदभाव किया होता तो जिस समय धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था, उसके बाद फिर जब बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ तो दूसरे धर्म के लोगों को हम क्यों रहने देते, तभी भगा देते। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमारा सनातन कभी भेदभाव नहीं करता। हमारे ग्रंथों में देखो भेदभाव पैदा किए जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कुछ चीजों को। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक तरह के समाज रहते हैं, लेकिन जरा एक छोटी सी बात पर विचार करो। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात पर विचार करो। आप लोग न्यूज देखते होंगे, टीवी आदि में चैनलों पर न्यूज वगैरह देखते होंगे, वहां पर क्या देखने को मिलता है? जब बात आती है कोई हिंदू वर्ग की, हिंदू समाज की कोई बात आती है, तो कभी ये नहीं कहा जाता कि हिंदू समाज में ऐसा हुआ। हिंदुओं में ये कहा जाता है कि ठाकुरों ने ऐसा किया, या ब्राह्मणों ने ऐसा किया, या यादवों ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया। हिंदुओं को हमेशा जातियों से संबोधित किया जाता है, इसलिए हिंदू जातियों में बढ़ते चले गए, और जितना हिंदू जातियों में बढ़ते चले गए उतना ही कटते चले गए, और कटने का परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पर अभी आगे प्रश्न आएगा कि हमारे यहाँ पर चार वर्णों के बारे में भगवान ने बताया था कि चार वर्ण है सनातन धर्म के अंदर, है? कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है। लेकिन चारों के चारों हिंदू हैं, परंतु हमारी गंदी राजनीति ने क्या किया कि हिंदू शब्द को हटा करके इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो चतुर्थ वर्ण है वो हमसे कट करके दूसरी धर्म परिवर्तन में चला गया। उसने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया। इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं है। अपने आप को बेगुनाह मत समझना कि नेता ही केवल गुनहगार होते, कहीं ना कहीं हम भी हैं। जब हम स्वयं भी आपस में ऊंच और नीच का भाव करने लगते हैं तो जिनको हम त्रासते हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, जिनको हम त्रासते हैं, वो वर्ग अपने आप ही हमसे नफरत करेगा, अपने आप ही करते हैं। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से नफरत करने लगेंगे तो ब्राह्मण से वो भी नफरत करेंगे, तो आपस में नफरत हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, वो अपने से छोटी जाति से अगर घृणा करेगी, नफरत करेगी, तो उस जाति को उससे नफरत हो जाएगी, और वही नफरत उसको काट करके अलग करके रख देगी, अलग रख देगी। इन्हीं चीजों पर हमको ध्यान देना है। जाति केवल एक है, पहले तो मानव जाति और उसके बाद केवल हिंदू सनातनी, बस और कोई जाति नहीं है, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना शूद्र। ये केवल किस लिए है? ये वर्ग बनाए गए थे केवल बीज रक्षण के लिए, बस और इनका कोई उपयोग नहीं। बाकी बस इतना समझो कि सबकी एक ही जाति, कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, बस इससे ज्यादा और जातियों में ध्यान दोगे तो आपस में कट जाओगे, और आपस में कटेंगे तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, पक्की बात है। अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो, राज करो, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी।
कि आप इसमें फूट डालो। और वही काम आज भी हो रहा है, आज नहीं बहुत पहले से हो रहा है कि आपस में फूट पड़ जाती है इसी बात को लेकर के कि सब जातीय भेद करने लगते हैं आपस में, और आपसी भेदभाव की वजह से परिणाम ये निकलता है कि हम लोग आपस में कट जाते हैं, आपस में बट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी अभी किसी ने जो है एक बयान जारी किया था, उसमें क्या किया कि रामायण जो है भेदभाव पैदा करती है, और ऐसा कहकर यदि रामायण भेदभाव करती है तो भाई तुम विचार करके देखो कि रामायण में आप लोग एक चीज पर ध्यान देना, भगवान राम के चरित्र को देखो आप गौर से, भगवान राम के चरित्र को देखो क्या देखने को मिलता है, भगवान राम के मित्र कौन है, निषाद राज। भगवान राम के मित्र हैं निषाद राज, और निषाद राज को भगवान राम अपने बराबर बिठाते हैं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, बराबर बैठो। सबरी कौन है, भिल्ली है, छोटी जाति की है, आदिवासी है, लेकिन सबरी को भगवान श्री राम सबरी के जूठे हुए बेर खाते हैं। तो हमारा सनातन धर्म तो कहीं पर भेदभाव करता ही नहीं है, भेदभाव की बातें बनाई गई है, बना दी गई है भेदभाव की बातें। इसी तरह विदुर जी महाराज हैं, विदुर जी महाराज का जो जन्म हुआ, देखो पहले हुए दुष्यंत जी, जिनका विवाह हुआ शकुंतला जी के साथ, दुष्यंत के हुए भरत जी, इन भरत जी के 9 बेटा हुए थे, लेकिन 9 के 9 अयोग्य थे, 9 के 9 अयोग्य थे, उनमें योग्यता नहीं थी राजगद्दी पर बैठने की। ध्यान देना इस बात पर, पहले के लोग कितने महान हुआ करते थे, इन 9 के 9 अयोग्य थे, इनमें योग्यता नहीं थी, तो भरत जी ने 9 बेटा होते हुए भी अपनी ही प्रजा में से किसी एक बच्चे को, योग्य बच्चे को उठा लिया, उपमन्यु को गोद ले लिया और उसी को राजगद्दी पर बिठा लिया। आज क्या है, आज बेटा भले बिल्कुल अयोग्य है लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि बस राजगद्दी पर यही बैठे, भले लोग पप्पू कहते हैं पर कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी रहती है कि राजगद्दी पर हमारा बेटा ही बैठे, योग्यता हो या ना हो ऐसा नहीं, योग्यता के आधार पर। इन्हीं उपमन्यु के सांत्वनु हुए, इन सांत्वनु जी का विवाह हुआ था भगवती गंगा के साथ, माँ गंगा के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह इस शर्त पे हुआ था, भगवती गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं रोक टोक मत करना। गंगा ने जब विवाह किया सांत्वनु जी के साथ तो गंगा ने कह दिया था कि मैं कुछ भी करूं, माने मैं कोई भी काम करूं भले मैंने टोका वो बोली घराड़ा ने कह दी बात सांत्वनु, मैं की भी करती हूँ भले कठी जाऊं रोज भले पीर जाऊं आप, पर मैं रोगड़ो कौन का ध्यान रखती। सांत्वनु भी सोच रहे हो भाई घर बसाणो है तो क्या कराना, तो चुप रहे मर्जी हो तेरे, पर घर बसाणो ही है, घर बसाना हो नहीं तब अपना चुपचाप रहे, कोई बात नहीं भाई टावराम तो पाड़ा है मुझे जान जो बात नहीं। सांत्वनु ने भी कह दिया ठीक है देवी जैसा तुम कहो, हम कभी नहीं टोकेंगे तुमको, तुम जो करना हो करना, हाँ मैं अपने मन की करूंगी बस, हाँ ठीक है तुम करना अपने मन। विवाह हो गया, बच्चे हुए, पहला बेटा जैसे ही हुआ गंगा के, उस बेटे को जाकर के अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया। सांत्वनु बेचारे देखते रह गए लेकिन मन में सोच रहे अगर मैंने टोक दिया तो आज ही छोड़ के भाग जाएंगे। एक बात है नहीं हौसलो राखियो, लुगाई को डर सदा ही रहे जय श्री ओ, डर सदा ही बने रहे आज की गल को, पुराने जमाने की बात है, ओ डर सदा रहे सारा नहीं रहे हुए। कोई मन में यह ना सोचियो मन ही मन में कर मैं ही डरू, सच्ची बात है नहीं, देख रहे ईमानदार आदमी लेकिन बोला ही डरा है,
बोला इधर घरों निकल आएंगे मूछा कर बट में जाके निकल आए गेट का कर और जी घर में घुसा नहीं जल्दी जल्दी नीची कर ले तावड़ा से नीची करते हैं जानते फिर देख ना ले बेरों लेके आगे खड़ी हुई वो डर पुरानो है शाश्वत डर है वो पुरानो डर है लुगाई में हमेशा सारा ही डर है कोई बात नहीं बस वही निर्भय है इनका आदमी चक्कर में पड़ा कोई मार भर था समझदार ज्यादा चलाक आदमी महात्मा ज्यादा समझदार था ध्यान रखनी बात में जल्दी से मेरे पर नमस्कार करा महात्मा ने क्योंकि महात्मा पहले चलाकियों काम कर गया भाई जी का मारू दादा होशियार है बात तो प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जरूर कोई बात हो रहा ना हुआ एक बात तो है जय श्री कृष्ण दूसरा बच्चा हुआ दूसरे बच्चे को भी गंगा ने अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया तीसरा हुआ उसको भी जल में प्रवाहित कर दिया ऐसे करते करते 7 बच्चों को जल में प्रवाहित अब 8वां बच्चा जब हुआ तो 8वें बच्चे को गंगा जी जैसे ही प्रवाहित करने लगी सांत्वनु जी ने टोक दिया देवी आज नहीं डरूंगा बहुत डर लिया आखिर एक दिन आदमी हिम्मत करी है कदे कदे आज है उड़क आदमी आदमी उड़क आई थी आखिर जाके आज उड़क आ गई आज मैं आज मैं डरू भले की हो जाए कोई बात नहीं देखी जाएगी साटा पर तो नहीं गया कोई बात नहीं एक नर बचा जा देवी आज मैं आज रोकूंगा आज टोकूंगा बताओ क्या कारण है ऐसी कौन माँ है जो अपने ही बच्चों को जल में प्रवाहित कर दे बताओ कौन माँ है ऐसी और तुम अपने ही बच्चों को जल में प्रवाहित कर दे अपने ही बच्चों को तुम ऐसा कौन करता है ऐसा कौन करता है बताओ गंगा ने कहा मैंने कहा था आपसे कि मुझे टोकना मत आज आपने टोक दिया तो कारण तो मैं बता दूंगी आपको कारण मैं बता दूंगी आपको लेकिन अब मैं रहूंगी नहीं अब मैं चली जाऊंगी भगवती गंगा ने कारण बताया कि महाराज ये जितने भी पुत्रों को मैंने प्रवाहित किया है जितने मेरे पुत्र हुए सारे के सारे अष्ट वसु थे इन अष्ट वसुओं को ब्रह्मा जी का श्राप लगा था इस कारण उस श्राप के कारण ये इस पृथ्वी पर आए थे और मुक्ति का कारण भी मैं ही बनूंगी ये इनको ब्रह्मा जी का वरदान इन 7 को मैंने मुक्त कर दिया 8वां ये रह गया था आपने टोक दिया अब इसको मैं मुक्त नहीं करूंगी ये इस पृथ्वी पर बहुत लंबे काल तक जिएगा बहुत लंबे समय तक जिएगा और लंबे समय तक ये मानसिक पीड़ा को झेल समय आने पर मैं इस पुत्र को आपको सौंप दूंगी मैं इसको आपको दे दूंगी ये कहकर के भगवती गंगा अपने पुत्र को लेकर के चली गई इस बेटे का नाम रखा देवव्रत इस देवव्रत को भगवान परशुराम जी को सौंप दिया गया कि आप इसको विद्या अध्ययन करवाओ परशुराम जी ने हमेशा ब्राह्मणों को ही विद्या दी थी ब्राह्मण वर्ग को लेकिन क्षत्रिय वर्ग में पितामह भीष्म और कर्ण ये उनके शिष्य रहे समय आया गंगा अपने पुत्र को लेकर के आई और सौंप दिया अपने पति शांतनु को एक समय में एक मल्लाह की बेटी जिसका नाम था सत्यवती उसको मत्स्य गंधा के नाम से भी जानते थे पाराशर ऋषि की कृपा से कुमारे समय में ही इनको एक बेटा हुआ वही बने वेदव्यास महाराज और उन्हीं पाराशर ऋषि के आशीर्वाद से ये मत्स्य गंधा से गुर्जर गंधा बन गए माने इसके शरीर से मछली की गंध आती थी पहले पर पराशर ऋषि ने आशीर्वाद दिया तो मछली की गंध सुगंध में बदल गई इसलिए इसका नाम पड़ गया योजन गंधा एक बार ये महाराज शांतनु को नाव से पार करवा रही थी महाराज शांतनु के मन में इसके प्रति अनुराग हो गया महाराज शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा इसके पिता के सामने
पिता ने मना कर दिया कि महाराज आप राजा हो, मैं अपनी बेटी का आपसे ब्याह कर दूं, मैं झोपड़पट्टी में रहने वाला, मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, कल को मेरी बेटी को दुखी करो, परेशान करो, मैं क्या बिगाड़ लूंगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले तो फिर आप वचन दीजिए कि मेरी बेटी का जो बालक होगा, बेटा होगा, वही राजा बनेगा। महाराज ने कहा देखो राजा बनाने के लिए तो मेरी पहले वाली पत्नी का बेटा है, वही राजकुमार है, वही राजा बनेगा। तो बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। ये बात देवव्रत को पता चली तो देवव्रत ने जाकर स्वयं बात की अपने पिता के विवाह की। सोचो कितना बड़ा हृदय पहले रहा होगा। आजकल का बेटा कर सकता है पिता के विवाह की बात? बड़ी मुश्किल बात है। वैसे आधुनिक युग है, संभवता हो भी जाए ऐसा। तो पितामह भीष्म ने जाकर के बात की, प्रश्न रख दिया कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। पितामह भीष्म ने माता सत्यवती से पूछा कि आपका क्या विचार है? सत्यवती ने कहा ठीक है, मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपका बेटा ही राजा बनेगा। नहीं ऐसे नहीं महाराज, आप नहीं बनोगे, कल को आपके बच्चे दावा करेंगे, आपका बेटा होगा वो दावा करेगा कि मैं राजा बनूंगा, फिर लड़ाई होगी। पितामह देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी विवाह करूंगा ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम पड़ गया पितामह भीष्म, पहले नाम देवव्रत। सत्यवती का विवाह हुआ महाराज शांतनु से। इनके दो बेटा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को तो गंधर्वों ने मार दिया युद्ध में, विचित्रवीर्य रहे। पितामह भीष्म काशी नरेश के स्वयंवर से तीन कन्याओं को उठा लाए, अंबा, अंबिका और क्रोध में आकर के तप करने गई। भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण मैं ही बनूं। वरदान दे दिया कि ठीक है आगे जन्म में जाकर के शिखंडी बनोगी तुम, तुम्हारे ही कारण पितामह की मृत्यु होगी, ये दूसरी कथा। अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया गया, इनके कोई संतान नहीं हुई। माता सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी को बुलाया और नियोग विधि के द्वारा संतान की कामना की, संतान की कामना की। अंबिका को भेजा तो व्यास जी के रूप स्वरूप को देख के, बड़ी बड़ी जटाएं देख करके एक बार के लिए अंबिका डर गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली, तो उनको बेटा हुआ अंधा, जिसका नाम रखा धृतराष्ट्र। दूसरी बार इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी माने प्रधान दासी, जो इनकी अपनी दासी थी, उस दासी को भेज दिया। वो दासी जब गई तो दासी ना डरी ना सहनी, बस हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो उनके आशीर्वाद से इनको विदुर जी महाराज हुए, जो सर्वगुण संपन्न थे। दासी अंबालिका गई, अंबालिका देख करके आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन थोड़ा डर के मारे चेहरा उड़ गया, पीला रंग पड़ गया। तो उनके हुए पांडु, उनको बचपन से ही पीलिए का रोग, शरीर अस्वस्थ रहा, शरीर उनका अस्वस्थ रहा। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीन हुए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों अंबा और अंबिका के बेटा हैं, अंबिका और अंबालिका के बेटा हैं दोनों, धृतराष्ट्र और पांडु। लेकिन विदुर जी जो हैं वो इनके घर में झाड़ू पोछा करने वाली दासी के बेटा हैं। माता दासी हैं, छोटी जाति की हैं, लेकिन पिता जो हैं व्यास जी हैं, कुछ वर्ण में है। इसलिए विदुर जी को छोटी जाति में रखा गया, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म ने इन तीनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तीनों की शिक्षा दीक्षा बिल्कुल बराबर पितामह भीष्म ने करवाई, कोई भेदभाव नहीं।
इसलिए विदुर जी का जो चरित्र है वो भेदभाव की नीति को खत्म करता है। विदुर जी महाराज का नाम तो धर्मदेव था, आप लोगों ने शायद सुना कम होगा क्योंकि ये नाम ज्यादातर विदुर जी ही बोलते हैं, तो धर्मदेव नाम आप लोगों ने कम सुना होगा। नाम उनका धर्मदेव था, लेकिन जब वो पढ़ करके आए और उनकी जब परीक्षा ली पितामह भीष्म ने, तो नीति में सबसे अग्रणीय थे, विद्वान थे, सूझवान थे, इसलिए उनका नाम रखा विदुर, नीतिवान। विदुर का अर्थ होता है कुशल, विद्वान, नीतिवान, इसलिए उनका नाम विदुर रखा, इसी नाम से विख्यात हुए विदुर जी महाराज। इनकी जो माता थी, जो दासी थी, उन माता का नाम था परिश्रमी, माता का नाम परिश्रमी था। विदुर जी महाराज को मंत्री बनाया, धृतराष्ट्र जो थे वो आंखों से अंधे थे, इसलिए बड़े होने के बाद भी राजगद्दी पर पांडु को बिठाया। पांडु को किन्दम ऋषि का श्राप लग गया था, इसलिए पांडु की मृत्यु हो गई, इसलिए गद्दी पर वापिस धृतराष्ट्र को ही बिठाया गया। धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए दुर्योधन आदि, और माता कुंती के, पांडु की जो पत्नी है, दो पत्नियां थी, माता कुंती और माद्री, इनके 5 बेटा थे, जिनमें 3 कुंती के थे और 2 माता माद्री के थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, पांडु की मृत्यु हो गई, धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे थे, विदुर जी को मंत्री बनाया गया। धृतराष्ट्र के भीतर एक महत्वाकांक्षा हमेशा रही कि मेरा बेटा दुर्योधन ही राजा बने, इसलिए दुर्योधन बड़ा अहंकारी हो गया था। जिसको बचपन से ही सोने की चम्मच मिल जाती है ना, वो बड़ा अहंकारी होता है, और जो अपने संघर्ष से चलता है वो ठंडी और गर्म हवाओं के थपेड़े खाता है, उसका अहंकार उन हवाओं में गल जाता है, गलित हो जाता है। दुर्योधन बड़ा अहंकारी था, विदुर जी ने आकर के एक दिन समझाया धृतराष्ट्र को, सा एष दोषा पुरुष विराशते गृहान प्रविष्टो यम अपत्यमत्या पोषणासि कृष्णा द्विमुखो गतश्री यजासुते संकुल कोसलाय। धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज ये जो दुर्योधन है ना, ये साक्षात अहंकार का वृक्ष है, और इस अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल ही आएंगे, इसलिए समय रहते इसको काट दो, अगर ये जीवित रहा तो पूरे कुल को नष्ट कर देगा, पूरे कुल को खत्म कर देगा, इसलिए तजस्वी सम कुल कौशल आए, सब के समान, जैसे लोग सब को त्याग देते हैं ऐसे ही इसको आप या तो त्याग दो या इसको बर्बाद हो, तो आपकी कुल की कुशलता ही थी। विदुर जी तो समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, वहीं पर एक दुर्योधन का चमचा था, हाँ होते ही है, इधर सुन लिया उसने आज, और जाकर के दुर्योधन को बता दिया, अरे तेरे पिताजी को देखो तेरे खिलाफ भड़का रहे, तेरे बाप का कान भर दिया तेरे खाते, जा जाके तू संभाल ले बात, नहीं तो तेरे बाप को घर उड़ दे इस तरह से। दुर्योधन दौड़ता हुआ आया, और दौड़ता हुआ आकर के दुर्योधन ने विदुर जी को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विदुर जी महाराज तो विद्वान है, विद्वान अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोने देता, विदुर जी महाराज में कोई अहंकार नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करते हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि महाराज मैं आपके राज को त्याग करके आज जा रहा हूं, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, अपने धनुष बाण को धृतराष्ट्र के सामने रख दिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे कोई क्रोध है, मैं इसलिए जा रहा हूं कि यहां पर मेरे आत्मसम्मान को ठेस लग रही है, छोड़ करके चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता, जरा ध्यान देना इस बात पर, उनको समझाया नहीं जा सकता, उनको समय समझाता है,
उनको समय अपने आप समझा देता है, समझाने से बात समझ में नहीं आती। और समय ने तो सच पूछो तो बड़े बड़े लोगों को समझाया, समय ने बड़े बड़े लोगों को समझा दिया, जो किसी की नहीं समझे उनको समय ने समझाया। समय रहते अगर हम स्वयं को बदल लेते हैं, समझा लेते हैं, समझ जाते हैं समय की बात को, तो फिर हमको समय नहीं समझाता। और अगर हम समय रहते नहीं समझते हैं तो फिर जब समय समझाता है तो बहुत बुरी तरह से समझाता है। समय का तरीका थोड़ा समझाने का दूसरा होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चार पांच तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाना थोड़ा कठिन होता है, जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कौन कौन से होते हैं बोले, एक तो मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, जो अत्यंत मूर्ख होता है उसे नहीं समझाया जा सकता। मोह से ग्रसित व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, अकारण द्रोह करने वाले को नहीं समझाया जा सकता, लोभी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, कामी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पर समय समय इनको समझा देता है। ये केवल समय की समझाए ही समझा नहीं, समय आता है और समय सबका बदलता रहता है। समय का ये समय के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि समय बदलता जरूर है, चाहे कैसा हो। एक समय ऐसा भी आता है जब कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, एक समय ऐसा आता है जब तुच्छ व्यक्ति भी पहलवान होता है, और एक समय ऐसा आता है जब बड़े से बड़ा व्यक्ति को भी झुकना पड़ जाता है। समय की बात। तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय समय का खेल है, समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात, एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की बात। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान कदे कदे गाजड़ासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी, समय को भरोसो को नी, कद कल्टी मार जावे, समय को भरोसो को नी, कद कल्टी मार जावे, समय को भरोसो को नी, कद कल्टी मार जावे। कदे कदे जात लासू, कदे कदे जात लासू, सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी, लेकिन जान बता रहे हैं, गुरु बजे से महाज्ञानी
जग जान बतावे श्री राम जंगल में जावे किस्मत पंती खावे श्री राम जंगल में जावे पलटी खावे श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे पर आई राजा
सुंदरी जंगल में जावे जंगल में जावे दसानन मेरे दस सिर हैं, आपसे दुगना हूं।
तो गुरु जी कहते हैं जब चेला पहले ही दुगना है तो उसको समझाएं क्या। तो चेला पहले ही कहता है मैं गुरु जी से दुगना हूं, उसको गुरु जी क्या समझाएं बता। जो चेला पहले कहता है मेरे अंदर दस दस खोपड़ी है, जिसको चेलो क्या है गुरु जी थारू ज्यादा दिमाग तो मेरे में, अब भी चेला ने गुरु जी के समझावेगा ऐसा चेला घड़ाएगा जब गुरु जी ने समझाना थे। हाँ ईसा भी चेला घड़ाई हुआ है जिसका गुरु जी ने समझाना था, तो गुरु जी आपको पता नहीं है हम आपको समझाते हैं, अब बताओ ऐसे भी चेला। और कुछ चेला तो ऐसे भी होते हैं ना गुरु जी ऐसे, तो गुरु जी कह देते आज के बाद गुरु जी मत बोलो, क्योंकि गुरु जी और ना ये दोनों चीज एक साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि गुरु भी तो मात प्रभु की वाणी ही, बिना विचार करो शुभ जानी। भाई गुरु जी की वाणी हो माता पिता की वाणी हो उसको तो कहते हैं बिना ही विचार किए शुभ मान लेना चाहिए। और चेला कहते हैं नहीं नहीं गुरु जी आपको पता नहीं ऐसा होना चाहिए, तो चेला को कह दो गुरु जी मत बोला कर, महाराज जी बोल दिया कर वो ठीक है, गुरु जी बोलता है तो फिर ना नहीं होना चाहिए, ना शब्द गुरु जी के साथ जुड़ता ही नहीं। एक दिन रावण पहुंच गया कैलाश पर्वत पे और जाकर के गुरु जी कैलाश पर बैठे थे और जाके कैलाश को उठा लिया, सिर पे उठा कर को रामदत्त जी से खड़े आवा कह रहा हो क्या करा है भला आदमी, क्या करूं क्यों गुरु जी ने सिरो धारे करूं और क्या करूं। अब भला आदमी गुरु जी ने सिरो धारे थोड़ी करे करे दंडवत लेट के प्रणाम करे गुरु जी के चरणा में सिर झुकावे वो वैसे उधार कर इया तो सारी दुनिया करे तो रावण की बात को जो भाई बात करी थी दुनिया करे है ये तो सारी दुनिया ही करती है, मैं तो कुछ अलग करूंगा क्योंकि मैं रावण सिरो धारे गुरु जी को करवा गुरु जी को सिर पे धारे करवा। तो ऐसे जो चेला होते हैं उनको बड़ा समझाना मुश्किल होता है, रावण जैसे चेला को शंकर जी जैसे गुरु जी मिल गए लेकिन फिर भी रावण को समझा नहीं पाए, उठा के कहता गुरु जी को सिरोधार्य कर रहा हूं मैंने गुरु जी को उठाया। बहुत सारे चेला होते हैं जो कहते हैं मैंने गुरु जी को उठाया, गुरु जी तो कुछ भी नहीं थे कौन जानता था, मैंने गुरु जी को उठाया ऐसे चेला होते हैं। मैं गुरु जी को प्रचार प्रसार करूं, मैं गुरु जी नाके बधाई हूं, मैं गुरु जी खातर वो करे वो करे वो मैं करने वाला हुआ नहीं था, रावण की कैटेगरी का ही हुआ मैंने गुरु जी को उठाया। मूर्ख व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मूर्ख मूर्ख हम कहते तो रहते हैं वास्तव में मूर्ख होता कौन है, जरा इस बात पर भी विचार करना चाहिए। मूर्ख किसे कहना चाहिए, कौन होता है मूर्ख, मूर्ख कौन हुआ है। एक बार राजा भोज की सभा में दरबार में राजा भोज की पत्नी और कवि कालिदास की पत्नी दोनों आपस में बातें कर रही थी, राजा भोज आ गए और आकर के दोनों के बीच में खड़े हो गए, वहां पर उनके पास खड़े हो गए। राजा भोज की पत्नी ज्यादा बोलती नहीं थी लेकिन उस दिन बोल करके बोली राजा भोज से आइए मूर्खराज आइए मूर्खराज। अब राजा भोज बेचारे चुपचाप चले गए, कौन लोग ऐसा लड़ा के तो हठी उतार दे एक करके बेचारा चुपचाप मुंह नीचे करके चाल पड़े और लुगाई बन की पहुंच गई। दूसरे दिन है सभा में राजा भोज सबसे पहले जाकर के बैठे और जैसे ही बड़े बड़े विद्वान आते थे, कवि कालिदास जैसे कवि आते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे और जो भी विद्वान आए उसी को राजा भोज कर आइए मूर्खराज बैठिए वो बेचारे बैठ जाए। और राजा भोज के मुंह की तरफ देखे बताओ इतने बड़े विद्वान है हमको मूर्ख कहते हैं। फिर दूसरा कोई विद्वान है आइए मूर्खराज वो भी बैठ जाए। आखिर में कालिदास है, कालिदास से बोले आइए मूर्खराज बैठिए। कालिदास ने हाथ जोड़ के कहा महाराज बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्यों मैं आपको कहां से मूर्ख नजर आया, या तो मुझमें मूर्ख का लक्षण सिद्ध करो मैं मानता हूं मूर्ख, यदि मुझमें मूर्ख का लक्षण आप सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर मैं मूर्ख नहीं हूं। राजा ने कहा मूर्ख का क्या लक्षण सिद्ध किया जाए। तब कालिदास ने वहां पर एक बड़ा बढ़िया श्लोक बोला, कहते हैं खादन न गच्छामि, ध्यान देना इसमें जो बातें बताई जाए, खादन न गच्छामि हसन न जलते, खादन न गच्छामि हसन न जलते
गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। कालिदास कहते हैं महाराज खादन न गच्छामि, ना तो मैं चलते चलते कभी खाता हूं, माने चलते चलते खाने वाला मूर्ख होता है, खड़ा खड़ा खा रहा है चलते चलते खाता है मूर्ख होता है। अच्छा आप लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है ना जो चलते चलते खाता है, कोई है? अगर मैं बता दूं तो अच्छा देख रामदास जी क्या गणकरा सा खड़ा खड़े चले है, तो खड़ा खड़ा तो डांगर खाई करे आदमी खाए, अब आदमी चलना क्या बताओ कट्ठा ही पहुंच गए हैं, खड़े खड़े तो डांगर खाई करे आदमी थोड़ी खाओ, आदमी तो पेट के पत्तल के मैं खाई करे है आराम पला थी मार के तो खावे सही तो खड़ा खड़ा। आजकल जो है ब्याह शादियों में वो बफर सिस्टम के करी, मैं क्यों बफर सिस्टम को नहीं बफेलो सिस्टम बफेलो सिस्टम आजकल वो बफर सिस्टम है, लो और खाओ खड़ा 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 इन बिना कदे की लेके खा लियो कदे की लेके खा लियो है। अब बता कारण न गच्छामि, बोले जो खड़े खड़े खाता है चलते चलते खाता है वो मूर्ख होता है। तो अब विचार करो आज में ब्याह शादियां सोच समझ के जाइए, समझदार हो तो फिर हिसाब में जाइए। पहला ब्याह शादियां होती नहीं तो पट्टी लाग जाती पत्तल घुस जाती आराम बैठ के बरातियां खुआता सारा राम बैठ के खाता। आजकल के अभी मोहल्ले लेके खान ला के वो कोई खानो है ये हैं बताओ। कारण न गच्छामि, बोले जो चलते चलते खाता है वो मूर्ख होता है। और दूसरा अब की बात पर भी ध्यान दे लिए, हसन न जलते, कहते हैं जो बात करते में हंसे बोलते में हंसे, कहीं कहीं आदत हुआ है कि बात कम करेगा हंसा ज्यादा है, इंतजार करना पड़े कद हंसनो बंद हुआ है कद आपकी बात बतावा कद नहीं सुना, हंसेगा ज्यादा और बात करेगा कम, हंसे ज्यादा बात करेगा कम, तो ओ जी को लक्षण है वो भी मूर्ख को लक्षण हुआ है कि हंसता हंस हंस के बाद एक टक्को बात को बोल लियो और फिर दो मिनट तक हंसता ही रहा फिर एक टक्को बात फिर हंसता ही रहा वो भी एक मूर्ख को लक्षण है। दूसरे की बात का बचाड़ा बोलना मूर्ख हुआ है, ध्यान रखना शाम दो आदमी को बात बता तो हुआ नहीं अरे पर बचाड़ा ही बोलता हाँ हाँ तो ठा ही बात बोल भले कितो ही ठा होगा पहला सुनो भी बात है ध्यान कदे भी किसी सागर बातचीत करो। देखो कई चीजा ने समझो जी अपन जी किसी सारी बात करानी तो पहला अगले की बात ने सुनो चाहिए ध्यान अपन, जे अपन अगले की बात ने ध्यान सुनागा नहीं तो आदम ज्यादा समस्या को समाधान तो सुनने ही हो जाए। मैं बचपन में जब पढ़ता नहीं तो स्कूल में मास्टर बताता क्या जी प्रश्न पेपर जो है पेपर हुआ है कि पेपर ने हल करना तो पहला सारा प्रश्न ने ध्यान पढ़ लियो एक बार और पढ़ लेगा तो आधा उत्तर तो भी मिल जाएगा और सच्ची बात है। और भाई बात हुआ है कि अपा ने की बात करा कि तो किसी बात ने ध्यान पहला सुनो बचाड़ा कर ना बोलो बचाड़ा बोलने वाला मूर्ख आदमी है ये करके बचाड़ा नहीं बोलना चाहिए बात करता। दूसरो गतम न सोचामि, कहते हैं जो गतम न सोचामि माने जो बीत गया, जो बीत गया उसकी जो चिंता करता है जो हुआ ही नहीं माने अप सोचता है कि हे भगवान काशियां हो जानतो काशियां हो जानतो काशियां हो जानतो मैं बैठा ना जानतो मैं वो ना करतो मैं वो ना करतो। अब हो जी को हो जी को के चिंता करनी भाई, जी को बीते ले की चिंता करे वो भी मूर्ख हुआ है। ये करके गतम ना सोचा मैं बीते हुए की चिंता ना करे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को डांट दिया था, कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को इसी बात में असोचामि भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया अर्जुन से कि अर्जुन बीते हुए की चिंता विद्वान पुरुष नहीं करते, बुद्धिमान लोग बीते हुए की चिंता नहीं करते, बीत गया सो बीत गया गया बात खत्म, अब नए जीवन को देखो आगे की नए सवेरे की चिंता करो ये बुद्धिमान का लक्षण। और कृतम न मनने, कालिदास कहते हैं कृतम न मनने जो किसी का किया धरा ना जाने ना समझे, माने जी को कि कोई भलो करे ना ना समझे अकृतज्ञ ने बागड़ी के बोले करे कृतज्ञ ने जी को कि वो करे
जिको की कोई एहसान ना मानना है, है? जिको की कोई एहसान ना मानना है, मैं तो क्यों आना है कृतज्ञ नहीं, हाँ जिको की कृतज्ञता प्रकट ना करे, जिको जे की सागर लाख भलाई करी, लाख भलाई करी, लेकिन कदे हूँ दो शब्द को निकलिया कि तू मेरे खातर एक तो करी हो भाई, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद, कदे मुँह मुँह दो शब्द ना निकले। और सच्ची बात आए जे रिश्ता बढ़िया रखना, ध्यान रख जे रिश्ता बढ़िया रखना है तो भले ही थारी घराड़ी है और भले ही घराड़ो है, भले ही बेटो है बेटी है, जे आछो काम करे तो कदे कदे पीठ थपथपा देनी चाहिए, पीठ थपथपा देनी चाहिए, कदे कदे बोल देना चाहिए हाँ तो बहुत बढ़िया करो। उदाहरण थारे सामने है काल रामदत्त जी देखो सारा सामने पढ़ाई कर दी, देखो रामायण को पाठ तो रोज ही करे, बस ये पीठ थपथपा देनी चाहिए, ये पीठ थपथपा देनी चाहिए कदे कदे। अरे भाई सारा के सामने शर्मा है तो कोई बात नहीं करे थपथपा दी, रामदत्त जी तो बड़ी हिम्मत आला जी का सारा के सामने थपथपा दी, बताओ आंगी मत की तो मैं शाबाशी आने दी हूँ बाकी शाबाशी यार काम करे, कभी कभी शाबाशी दे देनी चाहिए, भले आपको बेटो है बेटी हुआ है घर में बहू है, आपकी घराली है अच्छो काम करे है, रोटी बढ़िया बनाई है, जे शाबाशी दे दूंगा हाँ तो भाई सब्जी बहुत बढ़िया बनाई तो अगले दिन और बढ़िया मिल जाएगी, अगले दिन और बढ़िया मिल जाएगी, घराली की बढ़ाई करनी चाहिए कभी कभी, हाँ बढ़िया सब्जी बना सी अगले दिन, अगले दिन बढ़िया सब्जी बना। एक आदमी घर आयो बारू थकेड़ो जी करो चाह पीने, सोचो भाई चाह तो पीनी यार घराली नाम तीन चाह रुके हो तो सिर ना चल जैसे नाम तक कि बारू आएगा के काम करके चाह पे अब चाह रुकिया के मानता है तो आनता ही बैठ के थोड़ी देर सोच के बोलियो कि भगवान आज तो तू बहुत सुनी लग गए, आज तो बड़ी सुनी लग गए एकदम श्रीदेवी जी सी दिखे। घराली बोले क्या मैं बढ़ाई करो क्या मैं बतुआ के पेड़ पर चढ़ाओ खाम खाम कि ना ना तो किसी बात ही किसी के दी पर के करूँ बढ़ाई तो और भी करूँ मार पर थोड़ी थकावट सी चाह पे उनको जी करो। घराली बोली चाह भी के बात है ऐसा कर पकौड़ा बना लिया दोनों की बढ़ाई करने का आपका फायदा हुआ है। एक आदमी बड़ो खुश रहे तो काम को रामदत्त जी से मिल गया राम है कि भाई तू बड़ो खुश रहे के बात है बड़ो खुश नजर आवा के बात है तेरे घर में लड़ाई क्यों नहीं हुआ सारा घर तो लड़ाई हुआ घराली के साथ लड़ाई होती रहे आपस में बात कर रहे भंडार इकट्ठा लड़ाई तेरे घर लड़ाई को नहीं ना जी मेरे घर कदम लड़ाई हो गई को नहीं बोले क्यों तेरे घर लड़ाई को नहीं हुआ बोले मेरे घर तो जमा ही लड़ाई को नहीं हुआ है कारण भाई मैं नहीं बता दे का कारण क्या है भाई मन तो दिन के जल्दी उठने की आदत है मन तो आदत है दिन के जल्दी उठने की और उठता ही भाई साहब मैं ना आदत पड़ गई है बचपन में एक्सरसाइज करने की तो मैं एक्सरसाइज की जगह के करूँ जिनके बुहारी चक्के लगा दूँ मेरी एक्सरसाइज हो जाए एक्सरसाइज हो जाए और एक्सरसाइज होने के बाद में है फिर जी करे चाह पीने और फिर के करा फिर एक कप चाह बना बड़े दो बन जाए एक घराड़ी दे दिया एक कप घराड़ी दे दिया बात के फर्क पड़ा है और फिर आदत आ भी पड़ी रही है कि नामते टाइम ही गाबा दो आदत है घरों ही पहला ही अपना आदत पड़ी रही ब्याह पहला ही तो के फर्क पड़े आप दो घाप आपका धुआं तो दो भी आला भी हो गया के फर्क दो आपका दो पड़े तो भी आला दो गिर जाए सर्फ ज्यादा गिर जाए चार कपड़ा और गिर जाए तो के फर्क पड़े है सर्फ भी काम आ जाए देख लो इसे कैद करना गया कहने लग रहा रामदत्त जी का ठेक गल में गला गई जाओगा अच्छा आया तो भाई गल में गला कर देखो छोटी सी जिंदगी प्यार हुए ना मैं कि है जिंदगी एक्सरसाइज करने वाला थोड़ी सी देर तो के फर्क पड़ा है के फर्क पड़ा है बताओ बोला मैं चाह और फिर के क्या मन्ना भैया सब्जी दूसरे का आपकी अच्छी बोलना क्या बिल्कुल ही हाँ मैं शुरू मेरी आदत पड़ रही है मैंने सब्जी आपका हाथ की अच्छी लग गए मैं तो सब्जी बनाऊँ फिर एक लगी के बनाऊँ हाँ एक लगी के बनाऊँ मैं घराड़ी भी सागे बना लूँ बिना भी दे तू ले तू ही ले ले और जैसे चार रोटी रोटी भैया आपका हाथ की बढ़िया हो गए बढ़िया सीख गए
दूसरों को निकासी नहीं करके मैं जाता, चार बनाओ आठ रोटी बना लू चार भी आ जाती के पर लड़ाई कभी हो ही कौन, लड़ाई कभी हो ही कौन। वो बोले भैया लड़ाई वाले तो कोई बात ही कौन, तेरे घर में लड़ाई होगी तो समझ लो प्रलय हो गई, तेरे घर में तो लड़ाई कभी होगी कौन, ना तो पक्की बात है। तो लड़ाई में बचन का सो रास्ता होता है, चलो इतना काम ना करो कोई बात नहीं, कम से कम करना वाले शाबाशी जरूर करे कर दे दे दो। जय श्री कृष्ण। करना ना करने के लिए शाबाशी जरूर दे दे। कृतम न मन्ने कहते हैं जो कि किसी का किया धरा ना जाने हैं वो भी मूर्ख होता है। लाख भलाई करो उसको कोई ना माने, अभी ठीक करके समझदार बन जाइयो ठीक है। आखियो किंग करे या जो है मान लो चाहिए घराड़ी तो काम करे तो समझदार। अब कोई यहाँ कौन क्या को लुगाई का गुलाम गुलाम है, आगे कोई कौन क्या कहो यहाँ किसी समझदार है, जिसको आदमी लुगाई को सहारो लगावे नहीं घरे हाथ लगवावे है वो समझदार होगा। तो ये करके अब समझदार हो कोई बात नहीं है। अब तो मैं थोड़ी क्यों कभी कालिदास के लिए आदा मैं थोड़ी कहने ला गया, मैं तो पढ़ के सुनाऊ, मैं तो पढ़ के सुनाऊ, मैं थोड़ी मैं की कौन क्यों भाई, मेरे खातर ना नाराज होती है मैं की कौन क्यों नहीं, मैं तो पट के बता डाक रही हूँ वो मेरा काम है भाई क्या करना पट के बताना। तो अच्छा सारो कह लीजिए जय हो। कृतम न मन्ने कहते हैं जो किसी का किया धरा ना माने वो मूर्ख होता है, इसलिए एहसान मानना चाहिए। अच्छा फिर कहते हैं द्वाभ्याम न तृतीयो भवामी राजन, कहते हैं दो लोग अगर बात कर रहे हों तो उन दो लोगों के बात करते में तीसरा आदमी बीच में आ जाए। भाई दो आदमी बात कर रहे हैं और दो आदमी के बात कर रहे हैं अपनी के क्या बात चल रही है, और अप्पा जा गई बेचारा करके के बात चल रहा है भाई साहब आमूल किता है, दो आदमी बात करना गिर है और बाका बेचारा तीसरो आगे बिना ही मतलब में तीसरो आगे कुछ ना आगे के होगी भाई साहब आए मूर्खता है। दो आदमी अगर बात करना रहा है तो दूर खड़े हो गए कुछ हो बना के आऊं के ना कुछ जरूरी बात तो पूछा लगा करिए जेब के दरी नहीं आजा आजा भाई साहब आजा तो फिर ठीक है, और जेब बात करे तो थोड़ी देर रुक जाओ है? थोड़ी सी देर रुक जाओ मान बात कर ले, दो आदमियां बात करता के बीच में तीसरे ने नहीं जाना चाहिए, जो तीसरो जागे बेचारा बोले तो मूर्ख हुआ है ये मूर्ख लक्षण। जरा आ बात बताई तो राजा भोज खुद ही समझ गए कि मैं दो देवियां बात कर रही थी उनके बीच में गया इसलिए मुझे उन्होंने मूर्ख ना कहा, ये मूर्ख के लक्षण होते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की हो। बिलुर जी महाराज तो धृतराष्ट्र को समझा करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए और तीर्थ यात्रा पर बिदुर जी महाराज की भेंट हो गई उद्धव जी से। तीर्थ यात्रा पर बिदुर जी की भेंट उद्धव जी से हो गई। बिदुर जी ने उद्धव जी से पूछ दिया कि भाई उद्धव जी क्या हुआ हस्तिनापुर का, क्या हुआ कौरव और पांडवों का। उद्धव जी ने सारी व्यथा बता दी, महाभारत का विशाल युद्ध हुआ सब मारे गए और भगवान भी स्वधाम को चले गए। विदुर जी महाराज भगवान जाते समय जब इस धरा धाम को छोड़कर जा रहे तो जाते समय भगवान ने ये हमें जो उपदेश दिया था तो कहा था कि ये जो उपदेश मैं दे रहा हूं ये विदुर जी को जरूर सुना देना। उस समय मैं और मैत्रेय जी दोनों भगवान के पास थे इसलिए मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि मेरा ये उपदेश तुम विदुर जी को जरूर सुना देना, इसलिए तुम जाओ और मैत्रेय जी से मिलो जान करके। मैत्रेय जी कहां मिलेंगे, बोले महाराज हरिद्वार। विदुर जी महाराज हरिद्वार के लिए रवाना हो गए, मैत्रेय जी से विदुर जी की भेंट हुई, दोनों मिले और विदुर जी महाराज ने आसन ग्रहण किया और मैत्रेय जी से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने लगे। यहां से मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाते हैं। देखो श्रीमद् भागवत की कथा में कई घाट आती हैं। सबसे पहले सूत जी सौनक जी को कथा सुना रहे हैं, उसके बाद में गोकर्ण जी धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं और उसके बाद में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और उसके बाद में विदुर जी को मैत्रेय जी अब कथा सुना रहे हैं।
ऐसे घाट बदलते रहते हैं। तो अब विदुर जी कथा, विदुर जी को मैत्रेय जी कथा सुनाएंगे, एक भजन सुन लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी बैंड भी चार लेते हैं। बरसाने वाली की है वो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को अली का बड़ा सुंदर भाव है और मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते हुए चले गए। मिश्री से मिश्री से ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को
कि प्रभु इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। मैत्रेय जी ने कहा भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यहां तक पहले जी बता चुके। ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने चार कुमारों की उत्पत्ति की। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। इन चार कुमारों की उत्पत्ति की। इन चारों भाइयों से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भाई सृष्टि करो। इन चारों भाइयों ने कहा कि सृष्टि के चक्कर में हम लोगों को नहीं करना, ये माता है इसके पास ना जाए, इसको गिरा देंगे, किसी के ऊपर गिर जाएगा। मना करने पर भगवान रुद्र प्रकट हुए। रुद्र प्रकट भगवान ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो भूत प्रेत बना दी। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज तुम सृष्टि करो ही मत, तुम अपना भजन करो। रुद्र भगवान कैलाश पर जाकर के भजन करने लगे। इस बार 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुरस्त, पुलहर, कृष्ण, प्रभु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी के वाम भाग से, वाम अंग से पुरुष और दक्षिण अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। इन स्त्री और पुरुष का नाम था मनु और शत्रुपा। यही स्वयंभू मनु है। यही से मानवी सृष्टि का आरंभ हुआ। इसीलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। जो मनु की संतान हैं वो सब मनुष्य हैं, और जो स्वयं को मनु की संतान नहीं मानते वो मनुष्य से अलग कुछ और होंगे, वो हो जाएंगे। मनु महाराज को कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ भाई सृष्टि करो। मनु महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि आरंभ की। तो सर्वप्रथम मनु महाराज और शत्रुपा के 5 संतानें हुई। कौन कौन सी? आकूति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। याद रखना, ये पूछूंगा, मनु महाराज की कितनी संतानें हुई? सर्वप्रथम 5। कौन कौन सी? आकूति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बिटिया माने 3 बेटी, और उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 बेटा। ये 5 संतानें हुई, और इन 5 संतानों से फिर बाद में सारी सृष्टि आच्छादित हो गई। इन्हीं से फिर सारे आगे होते थे। सबसे पहले देवहूति की चर्चा करते हैं। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मैं अपनी बेटी देवहूति का विवाह किससे करूं? तो ब्रह्मा जी की छाया से कौन ऋषि हुए? कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कर्दम ऋषि से तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। कर्दम ऋषि को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। देवहूति को लेकर के मनु शत्रुपा पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास। कर्दम जी से प्रार्थना की तो कर्दम जी ने देवहूति का पानी ग्रहण कर लिया। देवहूति जी से कर्दम का विवाह हो गया। विवाह होने पर सर्वप्रथम इनके 9 बेटियां हुई। पहले बेटी बेटी होती चली, 9 बेटी हुई। कला, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हविर्बहु, गति, श्रद्धा, ये इनकी बेटियां हैं। 9 बेटियां हुई।
कर्दम जी ने एक दिन विचार किया कि भाई हम तो कहाँ भगवान का भजन करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, कहाँ घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, अब घर में नहीं रहे। जैसे ही चलने लगे घर छोड़ के देवभूति चरणों में पड़ गई। महाराज ये तो 9 बेटियां हैं, अपने अपने घर को चली जाएंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी, एक बेटा तो होना चाहिए। अब कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर बेटे के रूप में आऊंगा और मैं जंगल में ढूंढने जा रहा हूं। कर्दम जी वहीं रुक गए। समय आया, कर्दम देवमूर्ति के यहाँ पर भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान के दर्शन करने सभी देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए अपने 10 बेटाओं के साथ, 9 बेटा अपने साथ लेकर के आए, 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने फिरने चले गए थे महात्माओं के दर्शन करने, इसलिए नारद जी बच गए। ये 9 बेटा साथ में आए, 9 बेटाओं को देख करके कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आपके 9 बेटा हमारे 9 बिटिया, कहां तुम जाओगे कहां हम जाएंगे, यही रिश्ता कर लो। तो वहीं पे रिश्ता कर दिया, 9 बेटियों का 9 बेटाओं के साथ विवाह कर दिया। मरीचि ऋषि के साथ कला देवी का विवाह कर दिया, त्रि के साथ अनुसुईया जी का कर दिया, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का कर दिया, भृगु मुनि के साथ ख्याति का कर दिया, अथर्वा जी के साथ शांति का कर दिया, क्रतु मुनि के साथ क्रिया का विवाह किया, पुलस्त्य के साथ हविर्भू का किया, और पुलह ऋषि के साथ गति का, और अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा देवी का विवाह कर दिया। 9 बेटियों के विवाह कर दिए। विवाह करके कर्दम जी को अपना एकांतवास के लिए वन में चले गए। अब एक दिन घर में माता देवभूति और कपिल भगवान है। माता देवभूति के मन में बैठे बैठे विचार आया कि मेरे घर में साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं और फिर भी मैं अज्ञान के अंधकार में गोते खाती हूं। माता देवभूति हाथ जोड़ करके कपिल भगवान के सामने गई। आज माता देवभूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया, जबकि माँ है फिर भी बेटे को प्रणाम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आज माँ की दृष्टि में ये बेटा नहीं है, आज एक ज्ञानी महापुरुष है। हमारे यहाँ पर ज्ञान प्रधान है, हम लोगों ने हमेशा ज्ञान वृद्ध को बड़ा माना है, चाहे वो बेटा ही क्यों ना। माता देवभूति का बेटा है कर्दम जी। कर्दम जी के सामने हाथ जोड़ करके माता देवभूति ने आज भगवान से प्रार्थना की। निर्वन्ना नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। निर्वन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्, हे प्रभु मैं जानती हूं आपके प्रभाव को, आप साक्षात नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा हैं, निर्विकार हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं जो इन इंद्रियों की तृष्णा में उलझी हुई हूं, मैं इससे बाहर आ जाऊं। जरा विचार करना, क्योंकि इस समय माता देवभूति वृद्ध है, ये भी ध्यान रखना। माता देवभूति वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन क्या कहती हैं कि इंद्रिय तृष्णा, कि मेरी जो इंद्रियां हैं ये तो शिथिल हो गई, इंद्रियों का बल जाता रहा, आंखों से दिखता नहीं है ज्यादा, कानों से सुनता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन इंद्रियों की वासना अभी तक बाकी है। विचार अगर जीवन में भजन नहीं किया, साधना नहीं की, ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो याद रखना इंद्रियां तो जवाब दे जाएंगी, लेकिन इंद्रियों की वासना वैसे की वैसी बनी रहेगी, और वो वासना जब तक इंद्रियां बलवती होती हैं तब तक वासना को दबाया जा सकता है, कामनाओं को दबाया जा सकता है, लेकिन जब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं
तो फिर वो वासनाएं बलवती हो जाती हैं, वो हावी हो जाती हैं। कानों ने सुनना तो बंद कर दिया, लेकिन कानों की सुनने की इच्छा अभी बाकी है। ध्यान रखना, कानों ने सुनना तो कम कर दिया, सुनता नहीं है, लेकिन सुनने की इच्छा अभी बाकी है। इसलिए मशीन लगवा ली जाती कान में कि सुने, कोई कुछ भी बोले जरा जोर से बोल, जोर से बोल, पर महाराज काम की बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। और अगर कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, तो एक मिनट में सुन जाती। और कोई गाली दे बोले तो महाराज जी तो एक हिले में सुन जाए, एक में सुन जाए। अगर काम की बात के क्यों मैंने सुनियो को दूसर बोल जोर और जोर बोल दूसर बोल मेरा कौन सुनियो नहीं। और जे कहीं थोड़ी सी इतनी बिल्ली सुनाई तो एक मिनट में सुनी। ये है इंद्रिया तृष्णार्थ, इंद्रियों की तृष्णा, इंद्रियों की वासना नहीं चाहती। आंखों से दिखना कम हो गया तो चश्मा चला लो, आंखों से दिखेगा कम लेकिन देखने की इच्छा बाकी है। देखना अभी भी चाहते, देखना अभी भी चाहते। ऐसे ही अन्य इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की शक्ति खत्म हो गई लेकिन इंद्रियों की तृष्णाएं खत्म नहीं हुई। माता देवहूति कहती है मेरी इंद्रियां तो शिथिल हो गई लेकिन इंद्रियों की जो इच्छा है, तृष्णा है, वो अभी भी बाकी है। और उसी के कारण मैं संसार के जन्म मरण के बंधनों में बंधी हूं। इसलिए प्रभु तंता गताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं तन्तागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। माता देवहूति ही अपने पुत्र कपिल भगवान से कहती हैं कि मैं आपकी शरण में हूं। क्यों? मुझे आप स्वाभृत्य संसार करो उदाहरण अपना स्वाभृत्य समझ के, अपनी दासी समझ के, अपनी शिष्य समझ करके, और मेरा जो ये संसार रूपी मेरे भीतर जो वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष को आप अपने ज्ञान की उधार से नष्ट कर दें। बड़ा प्यारा प्रसंग है माताओं, ध्यान से सुनना। भागवत जी में सांख्य माने ज्ञान का प्रसंग है ये। हालांकि समय के अभाव के कारण पूरा खुल के तो हम भी नहीं सुनाएंगे जो बात है, लेकिन संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जरूर। मैं इसीलिए बंधनों के मुक्त में, बंधनों के बंधन में हूं। कृपा करो जो मेरे भीतर ये संसार रूपी अज्ञान रूपी वृक्ष है, इसको अपने ज्ञान की कुठार से, अपने ज्ञान की तलवार से काट। क्या करूं जो मैं संसार से मुक्त हो जाऊं? भगवान कपिल कहते हैं माता योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो में श्रेय सायने कपिल भगवान कहते हैं माता मेरा मानना तो एक ही है कि यदि इस संसार की तृष्णाओं से मुक्त होना है, यदि इस संसार से मुक्त होना है तो एक ही साधन है। क्या? योगा आध्यात्मिका, अध्यात्म योग। केवल अध्यात्म योग का आश्रय लेने से जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वैसे तो माता बंधन है ही नहीं, वास्तव में तो बंधन है ही नहीं, तो फिर बंधन क्या है? मन एव मनुष्याणां कारणं बंधनोक्षयो। केवल मन से ही हमने अपने आप को बंधा हुआ समझ रखा है, इसलिए हम बंधे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति ही इस खंभे को पकड़े और इस खंभे को पकड़ करके खड़ा हो जाए और कहे कि खंभा मुझे छोड़ नहीं रहा,
भाई कोई खंबे ने पकड़ के खड़े हो जाए कि खंबो मैंने छोड़ना कौन लाग रहे हो, और खंबो मैंने छोड़ने कौन लाग रहे हो बताओ। तो खंबे थोड़ी भी ने पकड़े, बड़े खंबे ने पकड़ रखे। कोई आदमी ही गाने पकड़ के ले जान लाग रहे हो, जेवड़ी पकड़ रखी हाथ में गाने ले जान लाग रहे हो, भटकर महात्मा बुद्ध निकल लाग रहे आगे चेला ने संगे। महात्मा बुद्ध चेला ने, महात्मा बुद्ध ने बुद्ध चेला ने पूछो कि बता भाई बंदे रोकूं है हम गा बंदे भी है जिसको लेके जान लाग रहे वो बंदे है। बोले गुरु जी गा ही बंदे है। गुरु जी बोले तो चेला कच्चो है गा कौन बंदे दी? बोले ना गुरु जी गा बंदे है पक्की बात है ना गा कौन गुरु जी थान ना बड़ो पतो है गा बंदे है ना बुढ़ा को आगे दिखा थोड़ी है कम दिखा रहा। गुरु जी बोले तो तू गोर देख थोड़ी सी देर आगे गया तो गा डर गई और गा भाजी जी ही गा भाजी उसे उड़ी पकड़ के देर देर भाजी बोला बता कौन बंदेड़ो है। बोले गुरु जी बंदेड़ो तो कोई है संसार से हम बंधे हुए हैं। हमने मान रखा है कि संसार हमने मान रखा है कि हम बंधे हुए, वास्तव में हमने संसार को पकड़ रखा है, हमने संसार को पकड़ रखा है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना काम चलेगा, हमारी यही सोच रहती कि मैं मेरा क्यों क्यों मैं कटी उठ क्यों नहीं तो घर चाल में को नहीं बर्बाद हो जाए वो जमीन और वो ठाक होगी कि थारू पे ना नहीं घर चाल तो जाने का बाद भी चल रहा हूं मैं हूं जब तक ये रोटी खान लाग रहे ढंग और जिस दिन मैं उठ क्यों नहीं खान रोटी का लाला पड़ जाएगा रोटी ने तरसेगा। ओ संसार की खातरी कदे कौन रुक्यो आपनो बहन है आपनो ब्रह्म है भी ओ संसार मारू चाल है ओ संसार हमेशा चाल तो आएगा है हमेशा चाल तो रहेगा वो आपने जिस शब्द में कितना आया और कितना चला गया। कहते ना माटी के पुतले मत कर गुमान तेरे जैसे पुतले पता नहीं कितने मिला बना बना के मिट्टी में मिला दिए उसने परमात्मा ने। अब अपने को इंकार होता। एक आदमी घरु तंग आ गया घर गांव तंग आ गया मेरी कुछ सुना ही को नहीं बताओ और मैं जे घर छोड़ के उठ क्यों नहीं तो अनखा लाग दे वो क्यों होया आटो दाल को बात अनखा लाग दे मैं घर छोड़ के उठ क्यों मैं जाऊंगा मैं जाके दिखाऊंगा कई दिन तो कहते रहे होंगे शायद वो रोक ले मैं जाके दिखाऊंगा मैं जाके कुटिया में बैठ जाऊंगा मैं जाके वृंदावन में जाऊंगा आश्रम में रहूंगा जाके सो बातें करते एक दिन सोचो ना जाके दिखाई कामड़ी उठाए और रखियो मोटा पर चार पूजा जाके बस अड्डा पर आथम ते बैठे रहो बस अड्डा पर आथम ते कोई आयु कौन ले सोचो कि डेरा आवागा घराड़ा मनाने खातर कोई आयु कौन ले कुठे घरे आ गए घरे आ गए तो पड़ोसी खड़े हो आपके चौकी पर बाहर पड़ोसी पूछो क्यों भाई तू तो घर छोड़ के उठ गयो दिन के मैं देखा हो पुट्ठो किया आ गयो पुट्ठो किया आ गयो किंग पूछ पकड़ गया हो बकरी की के कटड़ी की पूछ पकड़ गया हो पुट्ठो किया आ गयो तो पुट्ठो मैं कोनी आयो नहीं और मन्ने पुट्ठा को कोई मतलब ही कोनी हो मैं पुट्ठो नाम तो नमई तो किया आयो अरे मैं तो पोता खातर आ गयो मेरे खातर रो रो के घर भर देगो ही खातर मैं को बेचारो परेशान हो गो ताप रह दे थोड़ा सा मोटो हो जाए फिर देखी मैं घर छोड़ जोड़ चुन तो बंदे रहा तो अपा बंधन क्या है मन का बंधन है। मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष हो मन से ही हमने मान रखा है कि हम बंधे हुए हैं बाकी बंधन है नहीं। एक बार एक आदमी गधे चला रहा था गधे ध्यान देना एक आदमी गधे चला रहा था गधे चलाते चलाते एक काम से दूसरे काम ऐसे जाता था तो गधे लेकर के जा रहा था और गधे लेकर के जा रहा था रास्ते में रात पड़ गई रात पड़ गई तो वहां पर अपने गधे उसने आस पास में पेड़ खड़े चूनों में बांध दिए एक गधे की रस्सी कम पड़ गई तो उस गधे को पकड़ करके खड़ा हो गया ऐसे गलवा कर डाल दी पकड़ करके खड़ा हो पकड़ खड़ा हो एक महात्मा वहीं बैठे थे महात्मा ने कहा क्यों भाई गधे ने पकड़ के क्यों खड़े के बात होगी का महाराज जी खातर जेवड़ी कौन जेवड़ी होती तेरे बांध दे तो
महाराज जी हंस के बोलिया के कदे नहीं बांधन की लोड़ हो पागल आदमी गदा तो अपना मंदिर मंदेड़ा हुआ गदा ने बांधन की लोड़ पड़े है नहीं नहीं महाराज जी बात जागो कौन बात जा मैं कह रही नहीं महाराज जी बात करो चलिया कर एक काम करना एक युक्ति बताऊ बता तो बताओ महाराज जी जुगतियां करे कि जिया और गदा ना बांधिया नहीं बीए की गदा ने झूठो झूठो बांध दे जिया जे बड़ी गल को ऊपर करका दी और बी की का झूठी काट दे और यहां हो जाओ बांध दी ठीक है महाराज जी बीए करो बन गदा ने जो है जे बड़ी ऊपर कर हाथ का जो हाथ का लगे ये जे बड़ी कर दी कौन फूटा करना और गदा का मन में हो तो मन बांध दी और वो गदो पूरी रात बटी खड़े हुए वो आदमी सोचे वो महाराज जी बड़ो बड़ी अजूबती बताई भाई आराम सो पूरी रात दिन के उठे उठ के आ गया सारा गदा खोलिया आगे जान खाता सारा गदा खोल दिया सारा गदा चाल पड़े सारा गदा मिले ले चल वो गदो बटी खड़े अब वो गदा कहने के जागे ने डंडो मारे बेचारो का सुमस को नहीं हो बटी खड़े और डंडो मारे दो तीन डंडा मारे महात्मा जी फिर बटी खड़े और महाराज जी बोले अरे क्यों मारा है जीव ने तेरे के बगाड़ दी महाराज जी चालन ही कौन लागे के करूं चालन कौन लागे के ना तो बट्ठी खड़े रात खड़े हो महाराज जी कहते खोलियो के महाराज जी बांधो ही कर दो जो खोल तो ना बांधो तो पागल आदमी रात बांधो को नहीं हो तो झूठो मुठो बांध दो झूठी मुठी खोल दे झूठी मुठी खोल दे जिया रात बांधो बी खोल रात बांधो बीए भी ना जो है झूठी मुठी हाथ फेर दियो या जेवड़ी खोलन को और जिये जेवड़ी खोलन और नकली हाथ घुमायो बंधन हो थोड़ी गदा मान राख्यो कि मैं बंधेड़ो और पूरी रात खड़े रहो बटे मान राख्यो कि मैं बंधेड़ो हूं और पूरी रात मत खड़े रहो अपना अपने मान के कि मैं बंधेड़ो हूं जिए ही मैं मन को बेनूर हो कि मैं खुल गयो बस खुल गयो इसी प्रकार कपिल भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव वैसे तो मुक्त ही है लेकिन मन एवं मनुष्य नाम कारण मंद मोक्ष हो अपने मन से अपने आप को बंधा हुआ मान के बैठा है जब कोई सदगुरु आता है जब कोई महापुरुष आता है और आकर के कहता है मूर्ख आदमी तो बंधा हुआ है ही कहां तू तो मुक्त है शुद्ध बुद्ध मुक्त है तू और जब ये भ्रांति दूर होती है तो वही दौड़ करके सबसे आगे निकल जाता है अपनी अनंत की यात्रा कहते हैं इस संसार में मनुष्य तीन गुणों से बंधा हुआ रहता है और उन तीनों गुणों से मुक्त होने के बाद गुणातीत हो जाने के बाद मुक्त हो जाता है। माता देवभूति कहती है तो प्रभु ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा बोले संतों से प्राप्त होगा संतों की शरण में जाओ तो इस ज्ञान की प्राप्ति होगी इस ज्ञान की प्राप्ति होगी देखो प्रसंग तो बहुत अच्छा था पर समय का अभाव है भाई बीच में समय गड़बड़ भी हुआ उस वजह से फिर जो है समय को फिर देखना पड़ता है तीन बजने के बाद बताते हैं टाइम हो गया शाम के योग का उपदेश दिया भक्ति का मर्म बताया योग के बारे में भी बताया कि अष्टांग योग आठ प्रकार से योग होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि और तीन प्रकार से प्राणायाम होता है जो आपको उसको बताया था इस प्रकार अष्टांग योग की व्याख्या कपिल भगवान ने माता देवभूति को की कपिल भगवान कहते हैं माता ये जीव जब इस संसार में आता है तो सबसे पहले माता पिता के द्वारा खाए पिए अन्न जल के द्वारा ये जब मातृ गर्भ में आता है तो प्रथम रात्रि को ये कहते हैं रज से मिलकर के कलन का रूप धारण करता है कलन जैसा बन जाता है और पांच रात्रि में ये जैसा पानी का बुलबुला होता है उस बुलबुले की तरह हो जाता है
दस दिन में ये थोड़ा सा बेर के जैसा हो जाता है और एक महीने में इस जीव के सिर आ जाता है और दो महीने में हाथ पैर आदि अन्य अंग इसको आ जाते हैं। तीन महीने में लिंग सहित अन्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। पांच महीने में इसको भूख प्यास लगने लगती है और छठे महीने में एक झिल्ली में लिपट करके मातृ गर्भ में कहते हैं दाहिनी कोख में घूमने लगता है। ये मातृ कोख में आने वाले जीव की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। सातवें दिन कहते हैं इसको ज्ञान शक्ति प्राप्त हो जाती है। सातवें महीने में इसको ज्ञान शक्ति प्राप्त होने लगती है। पूर्व कर्मों का इसको स्मरण होने लगता है कि पिछले जन्म में इसने क्या क्या कर्म किए थे जिसके कारण इसको दुख सुख का इस समय अनुभव हो रहा है। सातवें महीने में जब गर्भस्थ शिशु होता है तो उसको माता के द्वारा खाए पिए अन्न जल का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। कभी कभी माता बहुत गर्म खा लेती है तो उसकी गर्भाहट से जलता है। कभी कभी माता बहुत ज्यादा ठंडा खा लेती है, आइसक्रीम कुल्फी आदि, तो उसको ठंड लगने लगती है बहुत ज्यादा। कभी कभी बहुत तीखा खाती है तो उसको जलन होने लगती है। मातृगर्भ में इस प्रकार ये जीव कुछ दुखों को भोगने लगता है। जब इस प्रकार ये दुख भोगता है, पीड़ा भोगता है, फिर ये भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार मुझे यहां से निकाल लो, इस बार निकाल लो, मैं इतना भजन करूंगा कि अगली बार जन्म लेना ही ना पड़े, जन्म मरण के चक्रव्यूह से अगली बार मैं मुक्त हो जाऊंगा, इतना भजन करूंगा आपका, आप मुझे एक बार इस गर्भ से निकाल लीजिए, अनंत प्रार्थनाएं करता है। तब जाकर के भगवान इसकी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना को सुन करके भगवान इसको मातृ गर्भ से प्रसव वायु के द्वारा बाहर निकालते हैं और जैसे ही ये गर्भ से बाहर आता है प्रसव वायु का झटका इसके शरीर में, इसके सिर में ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और फिर जन्म होता है। और जन्म होने के बाद ये सब कुछ भूला हुआ होता है, कोरा कागज होता है और फिर इसके ऊपर यहाँ की लिखावट शुरू होती है। फिर माँ बाप इसको बताना शुरू करते हैं, बेटा बोल पिताजी, आ तेरी मम्मी है, उधर पापो है, उधर चाचो है, आ तेरी चाची है। धीरे धीरे इसको ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। मात पिता बालकन बुलाई, उधर भरे सो धर्म सिखाई। धीरे धीरे फिर यहाँ का धर्म उसको सिखाना, यहाँ के छल कपट, यहाँ का धांधली बाजी, यहाँ का सब कुछ सिखाना उसको शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे उसके ऊपर ये सब थोपना शुरू हो जाता है, उसका नाम उस पर थोपा जाता है, तेरा ये नाम है। जरा विचार करो, जन्म लेते ही अगर बच्चे को शुरू से ही भगवान का नाम ही लेना सिखाया जाता और यही बताया जाता कि बेटा तेरा कोई नाम है ही नहीं, तू अनाम है। ऐसी भी एक माँ हुई है इतिहास में, उसका नाम था मदालसा। मदालसा ने अपने पांच बेटों को यही शिक्षा दी। पांच बेटा हुए, पांचों को सन्यासी बना दिया, जाओ बेटा कुछ नहीं रखा संसार में, मैंने देख लिया संसार में, जाओ महात्मा बन जाओ। सोचो ऐसी भी माताएं होनी है। इस प्रकार उसके ऊपर संसार थोप दिया जाता है और धीरे धीरे वो संसार में ही रच पीट जाता है और फिर से वो उसी चक्कर में पड़ जाता है, 84 के चक्कर में। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवभूति को उपदेश किया। कपिल भगवान ने यहां पर सांख्य जो वेदांत है, वेदांत का उपदेश भी किया माता देवभूति को, भक्ति का उपदेश भी किया, भक्ति का मर्म बताया कि वास्तव में भक्ति क्या है, विस्तार से बताया, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। और इसके बाद योग का प्रसंग भी बताया, योग क्या है, अष्टांग योग। उसके बाद प्रकृति और पुरुष का ज्ञान भी दिया कि प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, तत्व कितने होते हैं, इन तत्वों की संख्या क्या है, इस प्रकृति का और पुरुष का भेद क्या है, अलग अलग दोनों का भेद बताया।
अंत में माता देवभूति अपनी स्थिति में स्थित हो गई, हाथ जोड़ करके भगवान कपिल से कह दिया कि प्रभु अब मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूं, अब मैं मुक्त हूं। इस प्रकार माता देवभूति तो ध्यान लगा करके प्रभु के चरणों में बैठ गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया, और कपिल भगवान वहां से चल करके गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। ये कपिल और देवभूति भगवान का, देखो माता देवभूति ने वृद्धा अवस्था में जाकर के भी साधन किया, क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि जीवन क्या है। हम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए भले पूरा जीवन बीत जाए, बुढ़ापा आ जाए, बिल्कुल बुढ़ा हो जाए, तो ये पाए क्या कि मरूंगा तो तेरी तेरा दरवाजे पे मरूंगा। भगवान को भजन कौन कर, भले कोई घर का पूछे ना पूछे, भले चलो ये भाई एक भजन सुना के कथा न पा विश्राम कर। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, हुण कोई नहीं देता तार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार कोई तार नहीं देता, इसलिए कह दिया उनकी करिए करतार विच बुढ़ापे दे, बुढ़ापे दे, उनकी करिए करतार विच बुढ़ापे दे, कोई ना देता तार विच बुढ़ापे दे। Thank you.
चल आया दिया नींद न आवे रास्ता Yeah.
चंद्र भगवान की जय। परम पूज्य परम सत्य है स्वामी आशीर्वाद आरती और आरती करा के प्रसाद लेके जाइयो। भगवत स्वरूप श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह परम प्रेमास्पद परमाधमी है, परम पूज्य व्यास सत्यासी आचार्य गुरु चेतन जी महाराज, उनके साथ में उनकी मंडली धर्मरा की माता धन भाई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आपकी इच्छा पर है, मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है, अपना आप अपना आता बैठे ठीक है ना, मुझे सुनना ना मुझे सुनाना, सही पूछो तो अपने तो मस्ती है, ना सुनाने का शौक रहा है ना सुनने का, दोनों खत्म हो रहे हैं। अपनी अवस्था ऐसी है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें एक दो बस उसी में सुनाऊंगा महाराज जी, जहां खत्म किया वही सुना देंगे, ये हो रहा है, और यही बता देंगे कि कहां से शुरू किया कहां छोड़ा है, पूरी कथा बता दूंगा। और दो शब्दों में अगर आपको किसी को याद है सुनी है तो मुझे जहां से शुरू किया और जहां छोड़ा वो दो टप्पे बता दो, तो मुझे विश्वास होगा कि आपने सुनी है। मैंने तो नहीं सुनी, मुझे सुनने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन बता दूंगा। बता दें, शुरू किया था जितेंद्र श्वासा जित आसन, आसन और श्वास को जीतना, यहां से शुरू किया था। बीच में विसंगता माँ की कथा थी, बुजुर्ग जी का प्रसंग था, दुर्योधन का रावण का, ये सारी लटर पटर तो चलती रही, लेकिन मुख्य बात हुई थी साधन से। साधन से एक शब्द सुनना, महाराज जी बार बार उपयोग करते हैं साधन शब्द का, हम भी बोलते हैं साधन शब्द का मतलब क्या है। अगर इतनी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो जहां ये शब्द बोला जा रहा है कि साधना, वहां अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पूरी बात आपकी सिर से निकल जाएगी, क्योंकि मुझे इस चीज का पता रहता है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो कौन सी आपकी पकड़ में आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। आप में 95% लोगों को साधना शब्द का समझ में नहीं आता, आया तो बता दिया, आप ना करके बताओ, जो साधना शब्द का अर्थ बता दे वो आत्मा कर लेंगे, कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया, मैं तो 5 बचा रहा था, 1 भी नहीं बचा, कोई संकोच के बारे में खड़ा होता। साधन आप रोज नाम लेते हो, साधन का साधन आप रोज बोलते हो, यहां से सिरसा जाना हो तो क्या लोगे, साधन नहीं लोगे, मोटरसाइकिल गाड़ी बस साइकिल जीप जो भी आपके पास है वो सब साधन है। आगे बात समझ, जो यहां से आपको सरसा लेकर के जाए वो तो साधन आपको समझ में आ जाएंगे, उन साधन का नाम है मोटरसाइकिल है बस है आपकी कार है गाड़ी या पैदल भी हो सकता है, ये सब साधन है, पैदल भी साधन है, ये पैर साधन है ठीक है ना, ये साधन है, पैर से हम चलेंगे तो उतना टाइम लगेगा, अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो थोड़ा और आपके पास कार है तो कम समय लगेगा, और किसी के पास है किलोमीटर सीधे उतारते हैं और कम हो। इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमको पहुंचा दे उसका नाम है साधन ठीक। अब हम आपको कहां पहुंचना है, हरिद्वार पहुंचना है कि वृंदावन है, क्या चक्का के शमशान घाट है, संसार घाट पापी नहीं देगा सिकरी को नहीं,
ना लेता जाएगा, आराम सो जाए, बड़ी मस्ती मिलेगी जाए, कितनी सुविधा है ना। शमशान घाट के लिए कोई प्रबंध करने की जरूरत नहीं, बड़ी सुविधा से पहुंच जाते हैं। घर वाले इतने अच्छे हैं कि आप पूरी जिंदगी जिनके लिए कमाओ फिर वो पूरी बार गोद के रस्सा होगा जोड़ा और बंद है पचपन आ जाए चला बस से बताओ भी गुरु तो उठ के भाग जाए कभी कभी चला बांध ले फिर भी फिक्र रखा भी घटी ना जानिए राम वो आज पंच हो पूरे फुका के आवा बांध के लिए प्रबंध बहुत करते हैं। ये घर वाले हैं, ये परिवार वाले हैं, ये हमारी रस्सी है, ये बंधन है, ये रस्सी बंधन है हमारी। साधन को समझ लीजिए, साधन का मतलब है जो ये जीव से परमात्मा हो जाए, इस जीव को परमात्मा बना दे, इस बीज को वृक्ष बना दे। जो बीज छोटा सा है जिसकी कोई औकात नहीं है कहीं भी खो सकता है, किसी मिट्टी में थोड़ी सी धूल में थोड़े से पानी में थोड़े से कीचड़ में कहीं भी गिर गया तो वो खत्म हो सकता है, लेकिन उसको किसान रूपी गुरु मिल जाए तो उस बीज को वृक्ष बना दे और उसके फल पुनः उत्पन्न कर दे। ये साधन वाचक इसका नाम है साधन, और उस साधन को कराने वाला गुरु है। ठीक है, किसान गुरु है उस बीज को अपने मंजिल तक पहुंचाने का, पूरी युक्ति उसमें उस बीज की पूरी युक्ति लगाई जाती है। उस बीज के लिए क्या आवश्यकता है ये किसान जानता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, बीज अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ बीजने का ढंग तरीका भी होना चाहिए, फिर मौसम भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। ठीक है ना। और जिस जमीन में बीजा जा रहा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। दो चार बातों का जमींदार ध्यान में रखता है, उसी हिसाब से बीज को तैयार करता है, फिर उसकी देखभाल भी करता है, तब वो अपने मंजिल पे पहुंचता है। इस जीव को सीव तक, ये जीव सीव हो जाए, ये जीव जो है ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये वहां तक पहुंच जाए। कपिल मुनि ने शुरुआत वहां से साधन कहां से शुरू हुआ, पहले साधन बताए थे, जहां से कथा शुरू हुई वहां साधन की बात हो रही थी। क्या साधन की बात हो रही थी, कि आप बैठना सीख जाओ, जित आसन कि आसन पे बैठना सीख जाओ, ढाई घंटा हो गया बैठ लगा, तीन बारी पानी पी लियो, चार बारी दो बारी चाह पी ली, फिर घर में तुलाड़ लाग रहे वो घर बैठे ही खा जाए, वो इनको नाम है जोड़ी मैंने बंद कहीं कोनी मारा जी बंदा किसी ने गा नहीं बंदी हुई वो ही बंदे मालिक है घर कौन बंदे थे बंदे था घर था बुला रहे हो क्या बताओ घर किसको बुलाने के लिए आया यहाँ पर घर किसी को बुलाने नहीं आया लेकिन आप जाओगे भागते भागते घर में घर की में बैठे बैठे भी याद आ रहे हैं इसको कहते हैं बंधन ये बंधन है हम बंधे हुए हैं घर ने हमको नहीं बांधा घर मिट्टी का बना हुआ है वही मिट्टी यहाँ वही मिट्टी वहां वही ईंटे वहां वही ईंटे हैं सब एक ही है वो आकाश वहां ये वही आकाश यहाँ है वही पानी इसमें लगा वही पानी इसमें है उस मिट्टी में किसी में फर्क नहीं है लेकिन हम भागते नहीं जाएंगे क्योंकि घर ने हमको नहीं बांधा हम घर से बंधे हैं ये बंधन है। साधन बताया जितासना कम से कम दो तीन घंटा तो बैठ जाओ करे इलाक कुड़ी मार दो इलाक इलाक गोडो मार दे इलाक पर फसा दो एक मैया जी आओ भी ला रहे कम जगह ही बिखर गए तुझे मन इनके टप जाए उपा कर दो चार आदमी चलेगी जी बैठे आप तो जेगी जे और भुगाओगे दो चार आदमी माता नाम ध्यान रखे करो एक लैंड वो सूर्य लगाने आए फेरी क्या करंट लग गया तो करंट लग गया तो कम से भगवान ने आंखें तो दे रखी है कोई तो खुला छोड़ गया आप तो देख लो कि हम क्या कर रहे हैं भी नीचे तार रखी है डोरी रखी हुई है कोई चीज पड़ी है तो अपनी आंखों का उपयोग तो कर ले हम अपनी आंखों का उपयोग ही नहीं करते। जित आसना आसन को जीतना आसन का जीतने का मतलब इस आसन में बैठते उससे हाँ कोई रोग है बीमारी है ऐसा है बुढ़ापा हो गया नहीं बैठ वो एक बात अलग है लेकिन आपको एक वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं ये बैठना होता है जैसे मैं बैठा हूं इसको जो है ये सीधा सा पद्मासन नहीं है पद्मासन में दोनों पैर ऊपर होते हैं ये वाला भी ऊपर होता है दोनों पैर ऐसे ये पद्मासन वो सीधा सा था ये पद्मासन है लेकिन आप ये पद्मासन लगाना जो नहीं लगाता उसको नहीं लगेगा हम लोगों का काम ही है ये और कोई काम नहीं है तो बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा तो सीधा आसन में गर्दन ये सब तीनों सिर गर्दन और पेट
बिल्कुल 90 डिग्री के अंदर। क्यों होना चाहिए 90 डिग्री के अंदर, क्या कारण है इसमें? गीता में दिया, देखो इसमें भागवत जी में और गीता के अंदर, गीता में भी पूरा इसका विधान दिया हुआ है कि आप बिल्कुल सीधे होकर के सम बराबर के आसन में बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ये पूरा विश्व जो है ना, पूरा ब्रह्मांड ये जड़ वस्तु है, दिखने में जड़ जैसी है लेकिन ये सब जड़ नहीं है। इनके अंदर एक करंट है, इनके अंदर एक बिजली है, विद्युत है। किसी वैज्ञानिक से पूछो वो कहेगा हर पदार्थ विद्युत से उत्पन्न हुआ है, जो बनाई बिजली से है तो उसके अंदर बिजली है। विद्युत की कणें जो है वो फैलती है, हमारे पैर धरती पर ही लगते हैं, धरती हमको लेकर के चलती है। हम धरती पे गिरते नहीं, हम जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो धरती फेंक लेती है, तो धरती क्यों फेंकती है? उसके अंदर चुंबकीय गुरुत्व आकर्षण जिसको बोलते हैं, वो विद्युत शक्ति है, वो हर चीज को पकड़ के रखती है। अगर वो न पकड़ के रखे, देखो मैं सही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना सही करा के रखो। अब मैं बिल्कुल पास में लगाया हूँ, मेरी कहते आपको आवाज नहीं आती तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं यहाँ पर आवाज रहे तो मेरे कभी आवाज आनी चाहिए, अरे कोई और बोलेंगे और माइक है तो वो विद्युत कण अगर शक्ति न खेचे पृथ्वी अगर हमको नहीं खेचती है तो उसका मतलब यही है कि हम चल नहीं पाएंगे। तो ये पूरी प्रकृति ऊर्जा नहीं हुई है। आप बिजली वाले को देखा होगा, बिजली वाले को देखा होगा कि बिजली वाला जब बिजली का काम करेगा तो वह चप्पल पहनेगा, कौन सी चप्पल पहनेगा जिसका धरती से अर्थ ना हो, चाहे तो लकड़ी हो चाहे वे प्लास्टिक हो, वो उसका यूज करता है कि धरती से कनेक्शन छूट जाएगा। आप बिजली को हाथ लगाओगे जो बिजली का झटका जो शरीर में लगता है वो शरीर की वजह से नहीं लगता और बिजली की वजह से नहीं लगता। बात को ध्यान देना, इसको वैज्ञानिक रिसर्च चाहिए। बिजली की वजह से या शरीर की वजह से झटका नहीं लगता, जो शरीर में बिजली का झटका लगता है वो धरती की वजह से लगता है। उधर बिजली को पकड़ा और बिजली तुरंत हमारे शरीर में होती हुई धरती में जाती है तभी शरीर में झटका आएगा। अगर आपने चप्पल पहन रखी है धरती के साथ आपका संबंध नहीं है, झटका नहीं लगेगा। बिजली आएगी शरीर के अंदर और घूम करके वापिस लौट जाएगी तार के अंदर, वो एक वर्तुल सर्कल बन जाता है। तो जो व्यक्ति भजन करते हैं साधना करते हैं, भजन करने वाले के अंदर विद्युत शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। अगर वो उसका आसन सही नहीं है, अगर ऐसे बैठा तो भी उसकी विद्युत शक्ति ऊपर नहीं आएगी, अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो भी नहीं आएगी। अगर उसका आसन नीचे सही नहीं है, आसन अगर सूती का आसन कभी नहीं लेना चाहिए, सूती जो है प्रतिरोधक नहीं होती, खींचती है शक्ति। उन्नी का आसन, और इसको आप कुश कहते हो ना, कुश, कुश का गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उल्लेख किया, पढ़ के देखा, छह में जाए पढ़ लेना, इस पांच में छह में सात में श्लोक कुश का उसने भगवान ने जिक्र किया है। कुश कितनी घास है, कितनी प्रकार की घास है, लेकिन उसमें कुछ प्रकार की घास, उसका नाम ही कुश रखा। उसने समझा था कुशलता से, कुशलता का मतलब होता है बड़ी सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीका से जिसको काम करना आए, कि जिसकी शक्ति छीन ना हो और बिना शक्ति के छीन किए हुए भी अपने काम को पूरा कर ले, बिना हाथ लगाए, बिना ताकत लगाए, बिना मेहनत किए, बिना पैसा खर्च किए काम को पूरा कर लेना, उस व्यक्ति को कहते हैं कुशल। अरे काम तो एक रुपए का और खर्च करते हैं 100 रुपए, ये कुशलता है? ये मूर्खता है, कुशलता नहीं है। कुशलता है किसी उस घास का नाम भी कुश है। कुश का आसन जो है प्रतिरोधक है, वो शक्ति को अंदर नहीं जाने देता। इसलिए कुश का, मृग का, ऐसे बहुत से साधन बताए गए, मैं ज्यादा साधनों की बात नहीं, थोड़ी में बात पूरी करता हूँ। तो यहाँ से साधन से शुरू होता है, ये सब साधन है, योग साधन है, भक्ति साधन है, स्मरण साधन है, नाम साधन है, सत्संग साधन है, ये सब साधन है। लेकिन सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? कपिल जी माता को, देवहूति को ज्ञान दिया सांख्य, सांख्य सिद्धि, सांख्य सिद्धि है। सांख्य का मतलब है ज्ञान। भगवान ने क्या किया, महाराज जी ने उदाहरण दिया कि गधा बना नहीं था लेकिन अपने को गधा मान लिया, सिर्फ उसको क्या हुआ, भ्रम हुआ, भ्रांति हुई, बना नहीं था। हमको भी, हम बने नहीं, हमको भ्रांति है। भ्रांति का टूट जाना सांख्य ज्ञान है, भ्रांति का टूट जाना सांख्य ज्ञान है। चीज पास में होती है, कई बार चश्मा हमारे पास में है और चश्मा वाला देखता देखता क्या करता है, लिखते लिखते चश्मा सिर पे चढ़ा दिया और पढ़ता रहा,
थोड़ी देर बाद में उसको जरूरत पड़ी है, वो चश्मा ढूंढ रहा है, यहाँ वहां पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा है, और फिर हाथ में कुदरती आश्रम पे जाता है, पूरे घर में तो चक्कर लगाया चश्मा सिर पे उठा। क्या चश्मा उसका खोया था कभी? चश्मा उसका कभी खोया नहीं था, चश्मा भूल गए। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा कभी खोया नहीं है, हम भूल गए हैं। हम क्या है? हम परमात्मा का स्वरूप है, ये भूल गए हैं। ये साधन से सिद्धि, इस बात का ज्ञान हो जाना, इस बात को समझ लेना, ये भ्रांति का टूट जाना, इसका नाम है सांख्य योग। जो है वो दिखे नहीं, जो नहीं है वो दिखे, उसी का नाम है माया, उसका नाम है अज्ञान, उसका नाम है भ्रांति। बताइए, आपको सपना है? रात को सपना देखते हो सच होता है कि झूठ? रात को सपना सच्चा होता है कि झूठ? भाई झूठ होता है, लेकिन जब दिखता है देखते हो रात को, तब तब तो पसीना आ जाता है कि छाती में शेर चढ़ा हो तो, जैसे सांप आया हो, कोई भूत प्रेत का सपना आ जाए तो कांपते नहीं लोग ऐसे? जब देखते हैं तब वो सच्चा ही लगता है, लेकिन आंख खुलते ही देखते ही अरे उसका परेशान हो रहा था, ये झूठी है, सपना झूठ है। शीशे में शक्कर देखते हो, जो शीशे के अंदर आदमी होता है वो झूठा होता है कि सच्चा होता है? अगर हो तो फिर मिलना चाहिए उसे, छाया झूठा है, ये पूरा जगत झूठा है सत्य, ये शरीर भी झूठा है, ये पूरा व्यवहार भी झूठा है, लेकिन सत्य एक ही है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, और उसकी सिद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ का नाम सांख्य योग है। ये कपिल जी ने माता जी को करवाया। बोलिए सच्चिदानंद तेरे कलम हाथ, तेरे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लेख लिख दे, ¡Gracias!
संग दाना सखा मेरा ओ पैरा से लिख दे सतसंग दाना ओ सतसंग दादी कदे भगवान की जय।
Oh,
वंदना। ओम जगदेव नयनाय दंत देव।